आज हमारे पास पैनल डिस्कशन में हमारे पास साबू है, अर्पना है और सुनील है। सो इससे पहले कि हम आज का पैनल डिस्कशन चालू करेंगे, मैं क्विक इंट्रोडक्शन हमारे पैनलिस्ट के बारे आपको बताना चाहूंगी। तो हमारे जो सबसे पहले पैनल मेंबर है साबू है, जो 12 साल से परमेश्वर को जानते हैं और नाहौर की कलीसिया में संगति करते हैं। एक कंटेंट राइटर के रूप में कार्य करते हैं और जो परमेश्वर ने इनको विजन दिया है वो यह है कि वो आने वाले दिनों में अपनी वाइफ लौरा के साथ बच्चों के बीच में सेवकाई करें। हमारी जो दूसरी पैनलिस्ट है अर्पना है, जो जिनको हमें से काफी लोग जानते हैं, जो हमारे एक एल्डर है ऑलिवर अंकल, उनकी डॉटर है, जो करीबन 14 साल से परमेश्वर को के साथ चल रही हैं और ये कर्जत की कलीसिया में संगति रखती हैं और एक जर्नलिस्ट यानी कि पत्रकार के रूप में काम कर रही हैं। और हमारे साथ सुनील भाई है, जो 12 साल से परमेश्वर को जानते हैं, परमेश्वर के साथ चल रहे हैं और ये नाहौर की कलीसिया में संगति रखते हैं और एक इवेंट मैनेजर के रूप में कार्य करते हैं। सो इससे पहले कि हम आगे बढ़े, मैं आप सबको बताना चाहूंगी कि कुछ प्रश्न हैं जो हम हमारे पैनलिस्ट से आज पूछेंगे, ताकि हम परमेश्वर को किस तरीके से परमेश्वर हमारे जीवनों में, हर एक के जीवन में अलग अलग रूप से कार्य करता है और कैसे हर एक का जीवन को परमेश्वर अद्भुत रीति से अलग अलग रूप से बनाता है और भी ज्यादा यीशु मसीह के नाई, इसको और गहराई से देखेंगे। और हम आज काफी टफ भी क्वेश्चंस, काफी जैसे जो क्वेश्चन को हमें एड्रेस करना या आंसर देना, उत्तर देना ज्यादा पसंद भी नहीं हो या फिर उतना कंफर्टेबल नहीं लगे, ऐसे भी प्रश्न पूछने वाले हैं ताकि हम सबको इसके द्वारा बढ़ावा मिले और परमेश्वर हम सबको इसके द्वारा आशीष दे। जैसा कि हम सब जानते हैं कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्ट्रगल्स विथ यूथ, जो जवान वर्ष होता है उसको लेके यह टॉपिक है। अब हम अपना ज्यादा वक्त इंट्रोडक्शन में नहीं गवाएंगे और अब हम पैनल डिस्कशन की ओर बढ़ेंगे। जो हमारा पहला क्वेश्चन है जो पैनलिस्ट के लिए है, वो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है कि आप लोगों का बेस्ट बाइबल वर्स क्या है, आपका फेवरेट बाइबल वर्स क्या है और वो क्यों आपका फेवरेट वर्स है। आप में से कोई भी पहले, साबू वुड यू लाइक टू गो अहेड? ये बहुत मुश्किल एक सवाल है, पहले ही आपने जो पूछ लिया है। परमेश्वर का वचन हमारे हर सिचुएशन के हिसाब से बहुत सारे ऐसे वचन है जो हमें हमारा ताड़स बनाते हैं जब हम अपने जीवन में किसी मुश्किलों से गुजरते होंगे। तो एक वचन कहना बहुत मुश्किल है, लेकिन एक वचन जो मेरे, जब मैं पहले प्रभु में आया था तो एक वचन था जिसने मुझे बहुत प्रोत्साहित किया था, क्योंकि मैं जब परमेश्वर के पास आने से पहले, यीशु मसीह में आने से पहले जीवन कुछ उतना अच्छा नहीं था, बहुत सारी तकलीफों से मुझे गुजरना पड़ा था। तो तभी वो जो एक क्या कहते हैं, एक सोच होती है कि शायद से मैं अच्छा इंसान नहीं हूँ या फिर कोई मुझे पसंद नहीं करता, कोई मेरे बारे में सोचता नहीं, कोई मुझसे प्रेम नहीं करता। तो तभी वो जो वचन है कि परमेश्वर ने इस जगत से ऐसा प्रेम किया, यूहन्ना 3:16, जो कि हम सब बहुत हम सभी उससे परिचित होंगे, तो वो कह सकते हैं मेरा एक फेवरेट वचन है, यूहन्ना 3:16, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपने इकलौते पुत्र को भेज दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे उसका नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। थैंक यू साबू। अर्पना, वुड यू लाइक टू गो नेक्स्ट? Thank you.
हाँ सॉरी एक्चुअली थोड़ा टेक्निकल इश्यूज चल रहा है. थैंक यू रुहामा. हाँ आई थिंक बाइबल में जो भी वर्सेस है वो सारे वर्सेस का अपने में ही बहुत ज्यादा मीनिंग है, बहुत ज्यादा एनकरेजिंग है सारे वर्सेस. जैसे साबू भाई ने कहा, मेरा अगर एक वर्स मुझे चुनना होगा सब में से वो होगा जो प्रोवर्ब्स है, प्रोवर्ब्स का 3:5-6 जो कहता है ट्रस्ट इन द लॉर्ड with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways acknowledge him and he will make your path straight. परमेश्वर पे हमें बहुत बार ऐसा जीवन में, मेरे जीवन में मैंने एक्सपीरियंस किया है कि विश्वास जो परमेश्वर पे विश्वास है बहुत सारे परिस्थिति की वजह से शायद डगमगा जाता है कई बार, मगर ये जो वर्स है ये बार बार याद दिलाता है कि उनपे हमेशा विश्वास रखना है और खुद के अंडरस्टैंडिंग पे, खुद के ही सोच विचार पे विश्वास नहीं रखने से नहीं रखना चाहिए. तो हाँ थैंक यू. तो ये नीति वचन 3:5-6 अर्पणा का फेवरेट वर्स है. सुनील भाई. या रोमा, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर वेलकमिंग अस. हम एक वर्स, इनफैक्ट जैसे साबू भाई और अर्पणा दोनों ने कहा है, इट इज वेरी डिफिकल्ट, बहुत मुश्किल है परमेश्वर के वचन से एक वर्स को चुनना. ओके, बिकॉज डिफरेंट सिचुएशंस, अलग अलग परिस्थितियों में कौन सा वचन हमें छूता है एंड तभी अपने को वो बहुत ही खास लगता है. लेकिन ओके, सो इन दिस लास्ट 12 years, 12 साल में जितना भी परमेश्वर के साथ मैं चलने का कोशिश किया है, तभी अलग अलग वर्स आके मुझे छुआ है. बट एक वर्स है, एक वचन है जो मुझे बहुत ही टच किया है, और वो है जो जेनेसिस 15:1 में परमेश्वर अब्राम से कहता है. आई डोंट नो हाउ टू पुट इट दैट हिंदी, सो इफ वी हैव द हिंदी वर्स वी कैन से दैट इट सेज, डू नॉट बी अफ्रेड अब्राम, आई एम योर शील्ड, योर वेरी ग्रेट रिवॉर्ड. ओके, सो मुझे हमेशा लगता था कि अब्राम को इसके आगे और क्या चाहिए, क्योंकि उसके जस्ट तुरंत बाद ही अब्राम परमेश्वर को बोलता है, लेकिन प्रभु आप क्या दे सकते हैं मुझे, मुझे एक संतान नहीं है. लेकिन ओके, तो वो एक जो द बेस्ट ऑफ थिंग्स दैट गॉड हैज गिवन टू अब्राहम, कि मतलब मैं बोलूँ मैं तुम्हारे लिए, मैं तुम्हारा शील्ड हूँ और तुम्हारा सबसे बड़ा रिवॉर्ड मैं ही हूँ. जब ये एक प्रॉमिस अब्राम को देता है, तो आई ऑलवेज वंडर डज दैट सेम वर्स, will God ever speak to me that? Okay, and so that has been very close to my heart, and that always been my desire that God maybe one day, even if it's in my dreams, okay, mere sapne mein bhi ho, lekin ye ek vachan jo Parmeshwar mere se baat kare. Okay, not that God will come into my dreams and say that, it's just been a desire for long. Bahut times aisa aasha hai ki kaash Abraham ki jagah main hota aur mujhe Parmeshwar ye kehta. So this has been one of my favorite verses, and I don't feel there is anything else that you need when God is your shield and your great reward. So Sunil bhai ne aisa bataya ki unka jo favorite Bible ka vachan hai wo hai Utpatti 15:1, jisme Parmeshwar aisa kehta hai ki main tera dar mat Abraham, kyunki main tera dhal hu aur tera bada phal hu. So thank you for sharing that. Jo hamara agla prashn hai wah yah hai कि जब हम अपने काम के क्षेत्र में, या हम सब अपना पढ़ाई कंप्लीट कर चुके हैं, स्कूल हो, कॉलेज के क्षेत्र में हो, या अपने फ्रेंड्स के बीच में हो, और वहां मतलब चर्च के बाहर के सेटिंग में अगर हमें परमेश्वर को रिप्रेजेंट करना है, परमेश्वर को अपने जीवन से, अपने जीवन शैली से, अपने लाइफस्टाइल से दर्शाना है, तो हम क्या करते हैं एक विश्वासी होने के नाते? साबू, वुड यू लाइक टू टेक अ लीड? Yes, Ruma. जैसा कि ये प्रश्न है कि हम अपने जो कलीसिया के बाहर जो जीवन है, हमारे कामकाज के जगह पे, या फिर हमारे स्कूल में, या फिर जहाँ पर परमेश्वर ने हमें रखा, वहाँ पर किस प्रकार हम एक मसीही होने के नाते किस प्रकार हमारा बर्ताव हो सकता है, चाल चलन हो सकता है. पहले तो ये एक बहुत ही जरूरी चीज है, क्योंकि बाइबल हमें बताती है कि हम जो है, हम मसीह के मसीह क्या किस प्रकार में बोलूं, एम्बेसडर है मसीह का. हम दुनिया को मसीह कौन है? दूत है. दूत, हाँ. दूत है. थैंक यू रोहन. हम मसीह के दूत है.
तो हमारा जीवन जब लोग देखते हैं उसी से बहुत सारे लोगों को मसीह कौन है उसका पता चलता है। अगर हम सब जगह जाकर ये कहते हैं कि मैं मसीह हूँ, मैं क्रिश्चियन हूँ, तो फिर आपके ऊपर जैसे कि एक मैग्नीफाइंग ग्लास लग जाती है, लोग आपके जीवन को देखना शुरू करते हैं कि किस प्रकार आप अपना जीवन जी रहे हो, किस प्रकार की बोली आप बोल रहे हो, किस प्रकार का किस प्रकार के निर्णय आप लेते हो। ये सभी चीजों पे लोगों की हमेशा नजर रहती है। और आपने बहुत बार सुना होगा लोग हमेशा कहते हैं कि मसीही लोग बड़े बड़ी बातें करते हैं लेकिन उनका जीवन देखो समझ में आ जाएगा कि वो लोग सिर्फ बातें करते हैं। तो इस प्रकार मसीह की छवि खराब ना हो इसका हमें बहुत ध्यान रखना है। हमें उनका दूत बनकर इस संसार में भेजा गया है। तो पहले तो जिस किसी भी जगह पर आप हो, अगर आपका काम का जगह है, आपका ऑफिस है, तो ऑफिस ज्वाइन करने से पहले पहले दिन से पहले ही आप परमेश्वर से बातें कीजिए और ये निश्चय कर लीजिए कि मैं मेरे ऑफिस में या फिर मेरे स्कूल में या मेरे कॉलेज में मैं मसीही के नाम से जाना जाना चाहता हूँ। अगर कोई कहता है कि साबु किस प्रकार का व्यक्ति है, तो हमें पहले से ही मन में ये बनाना चाहिए कि लोग मुझे एक अच्छे मसीह के रूप से मुझे देखना चाहिए। और पहले ही दिन से आप मसीह को सही तरीके से अगर रिप्रेजेंट करेंगे, अगर उनकी छवि ठीक तरीके से आप पहले ही दिन से बनाए रखेंगे, तो आपका आगे का सफर काफी आसान हो जाएगा। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैंने ये गलती की है। मैं जब अपने काम की जगह पर गया था तो पहले मैं उतना मसीह को रिप्रेजेंट नहीं कर पाता था, फिर बाद में मुझे उस चीज की तकलीफ बाद में होने लगी थी। इसलिए पहले दिन से आप परमेश्वर से भी ये बात कही है और अपने मन में ये बात बिठा लीजिए कि भले ही मैं थोड़ा कम अच्छा लगूं लोगों को या भले ही लोग मुझे पसंद ज्यादा करें या ना करें, लेकिन मुझे मसीह का दूत बनकर जाना है, तो सही तरीके से मुझे मसीह को रिप्रेजेंट करना है। तो छोटी छोटी बातें, जैसे कि अगर आप अपने काम के जगह पे है तो अपने डेस्क पे एक छोटा सा बाइबल रख दीजिए, तो लोगों को पता चलेगा कि ये बाइबल के हिसाब से चलने वाला व्यक्ति है और उसके हिसाब से फिर लोग आपको देखेंगे। ऑफिस में ये सब होते रहता है कि बहुत सारे लोग बहुत सारे समय में मजाक करते हैं, कुछ मजाक एक गलत डायरेक्शन में दिशा में चली जाती है, तो उस समय उनके साथ रहकर आप जस्ट अगर एक स्माइल भी कर देते, एक मुस्कुराहट देते, उन्हें लगता है कि अरे ये मसीह है लेकिन चलता है, ये हमारे जोक पे हंसता है या फिर हमारे हमारे जैसा ही बंदा है। तो पहले से अगर आप अपने आप को अलग रखते हैं तो आगे जाके किसी भी गलत काम में वो आपको बुलाएंगे भी नहीं, और भले ही आपको बोरिंग कहे, आप वो कहे कि आप में ज्यादा इंटरेस्टिंग कुछ नहीं है, लेकिन इन छोटी छोटी चीजों से अगर कोई कुछ बोलता है, आपको कुछ गलत करने बोलता है, तो मैंने ये देखा है कि मसीही लोग अगर कोई आपसे कुछ सिगरेट फूकने बोलता है या शराब लेने, कुछ भी अगर गलत काम करने बोलते हैं, तो मसीही लोग कभी कभी क्या करते हैं, इस प्रकार बोल देते हैं कि नहीं मैं ये सब नहीं करता। वो ये तो बोल देते हैं कि मैं ये सब नहीं करता, लेकिन वो इसलिए ये नहीं बोलते कि वो क्यों ये नहीं करते। तो ये सारी छोटी चीजें जहाँ पे हम बता सकते हैं कि क्योंकि मैं एक मसीही हूँ, मैं अपने प्रभु के खिलाफ नहीं जा सकता, ऐसी छोटी छोटी बातें अगर पहले से ही हम इन चीजों पर ध्यान दें, तो आगे जाके सही तरीके से हम अपने काम के जगह पे या ऑफिस में या कॉलेज में जहां पर भी हमको मसीह का हम ठीक तरीके से उनका प्रतिनिधित्व हम कर सकते। थैंक यू साबू। ओवर टू यू अर्पना। रुहामा, कुड यू प्लीज रिपीट द क्वेश्चन अगेन? ये प्रश्न ऐसा है कि जब भी हम अपने कार्य के स्थान में पाए जाते हैं और जब भी हम सबने अपना एडुकेशन कंप्लीट किया है, पढ़ाई कंप्लीट की है स्कूल या कॉलेज के जगहों पर, तब हम कैसे इंश्योर करते हैं, कैसे ये हम निश्चित करते हैं कि हमारा जो जीवन शैली है, लाइफस्टाइल है या चाल चलन है, बिहेवियर है, वो यीशु मसीह को रिप्रेजेंट करता है, उनको दर्शाता है? थैंक यू रुहामा। आई थिंक ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा वैलिड है क्योंकि ये एक बहुत बड़ा प्रश्न मेरे लिए भी था जब स्पेशली जब मैं कॉलेज मैंने ज्वाइन किया, तो मैंने अपना कॉलेज लास्ट ईयर ही खत्म किया है, तब से काम पे लगी हूँ। दोनों मैंने ये एक चीज देखा है कि दोनों जगह में बहुत ज्यादा पीयर प्रेशर है, बहुत ज्यादा ऐसी चीजें हैं जो हम नहीं करना चाहते हैं क्योंकि हम परमेश्वर यीशु मसीह में विश्वास करते हैं, मगर ऐसी बहुत सारी ऐसी भी चीजें हैं जो
हमारे दोस्त या हमारे कॉलीग्स जो हैं, क्लासमेट्स जो हैं, वो करते हैं. अब एक छोटी सी घटना जो मेरी कॉलेज के दिनों में मेरे साथ हुआ था. तो ऐसे मैं क्योंकि मीडिया बैकग्राउंड से हूँ, तो हमें बहुत ज्यादा एक्सपोजर था बहुत सारी चीजों में, जो वर्ल्ड ऑफ एंटरटेनमेंट, फिल्म इंडस्ट्री, ऐसे सारी चीजों में बहुत एक्सपोजर था हमको. तो वहां पर एक ऐसा मुकाम था जहाँ मुझे अपॉर्चुनिटीज मिल रही थी ऐसे चीजें करने के लिए जो शायद गलत, शायद नहीं, बहुत गलत हो सकता था. मगर मैं अगर सच्ची कहूँ, अगर मैं, मेरा विश्वास यीशु मसीह में नहीं होता, शायद मैं वो चीज करती. जैसे कि हम कोई भी, बहुत सारे कॉलेज पार्टीज होती थी ड्रिंक्स के लिए, या बहुत बार हम क्योंकि मीडिया वालों को लगता है कि कूल बनना है तो ऐसे ड्रिंक्स करना चाहिए, पार्टी करना चाहिए, या ऐसे सारी चीजें. तो हमको बहुत प्योर प्रेशर रहता था, और अगर किसी ने उसके लिए नहीं बोल दिया तो उसको उन लोग ऐसा, मतलब ये कूल पर्सन नहीं है, या ये इंसान जो है वो बहुत ही ज्यादा पुराने ख्यालात वाला इंसान है. तो ऐसे सारे इंसल्ट्स भी मिलने का बहुत चांसेस रहता था. मगर मैं परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि क्योंकि परमेश्वर की वजह से, परमेश्वर ने दिल में ख्याल डाला था कि तुमको किसको प्लीज करना है, किसको किसका नाम को बढ़ाना है, तुम्हारा नाम बढ़ाना है या मेरा नाम बढ़ाना है. तो वो जब सवाल दिल में आया, तब एक फैसला करने का मौका मिला कि मेरा बढ़ावा करने से, अगर ठीक है आज मैंने जाके एक ड्रिंक कर लिया, एक किसी के साथ जाके पार्टी कर लिया, तो क्या उससे परमेश्वर का महिमा होगा? क्या मैं मेरे जीवन के द्वारा किसी को यीशु मसीह के बारे में बता सकती हूँ? तो ऐसे बहुत बार परमेश्वर ने ही मदद किया है स्टैंड्स लेने के लिए कि नहीं, ये चीज नहीं करनी है. जब हम फिल्म्स भी बनाते थे तब हमें प्रोजेक्ट्स मिलता था शॉर्ट फिल्म्स बनाने के लिए, तो तभी भी ऐसे हमको एक्टिंग वगैरह करना पड़ता था, ऐसे एक्टर्स को लेना, एक्ट्रेसेस को लेना पड़ता था, जो बहुत कम कपड़ों में ऐसे सारी चीजें एक्टिंग करना रहता था. तो अगर मैंने किसी के साथ असिस्ट किया या मैंने खुद से कुछ बनाया, तो वो एक चीज होता था कि खुद से मुझे ऐसा स्क्रिप्ट शायद लिखना पड़ता था, या ऐसे कुछ सीन डालने पड़ते थे जो लोगों को, जवान लोगों को पसंद आए देखने के लिए ऑन स्क्रीन. पर परमेश्वर की दया से परमेश्वर ने मुझे ऐसे फ्रेंड्स भी दिए कॉलेज में जो इस चीज में बिल्कुल मुझे प्रेशराइज नहीं करते थे. परमेश्वर की दया से मुझे हमेशा मेरा जो फ्रेंड ग्रुप था, जो परमेश्वर की दया से मुझे मिला, जिनके साथ मैंने फ्रेंड्स बनाया, वो सारे ऐसे लोग थे जो मेरे, थोड़ा मेरे जैसे सोचते थे. तो उस तरीके से ना परमेश्वर ने मेरी मदद की, क्योंकि परमेश्वर ने, मैंने परमेश्वर को ओबे करने का एक डिसीशन लिया था. तो वैसे ही स्कूल में भी, स्पेशली एग्जाम लिखने के टाइम, वो स्कूल में रहे कॉलेज में रहे कुछ फर्क नहीं है, जब कॉपी करने का आ जाता है एग्जाम के टाइम में, तो वो एक बहुत बड़ा चुनौती है जब तुम्हारा फ्रेंड तुम्हारे पीछे बैठा है, और अगर तुमने उसको पेपर नहीं दिखाया तो फ्रेंडशिप बहुत ये हो सकता है, मतलब प्रॉब्लम में आ सकता है. तो एक बार 12th स्टैंडर्ड में मेरी एक फ्रेंड को कॉपी करना था मेरा पेपर, पर उस समय मुझे वही स्ट्राइक हुआ कि क्या ये सही होगा परमेश्वर के नजर में, सही गलत सिर्फ परमेश्वर के नजर में अगर सही गलत है तो वही चीज देखना जरूरी है. तो मुझे लगा क्या ये सही होगा, और मैंने, मुझे बुरा लगा उसको नहीं बोलने के लिए, पर बोल दिया. पर ऐसा परमेश्वर ने वहां पर कार्य किया कि वो एग्जाम होने के बाद मुझे लगा वो आके मेरे साथ झगड़ा करने वाली है, पर इनफैक्ट वो आई और मुझे उसने, वो पता नहीं वो इंसल्ट में बोला या कॉम्प्लीमेंट दिया, मुझे मालूम नहीं, पर तू क्या बड़ी सत्य सावित्री बन के घूम रही है ऐसा. तो फिर मैंने बस उस बात पर उसको स्माइल किया, पर उसने मुझे बोला कि तू ऐसी क्यों है, तू इतनी डिफरेंट क्यों है, तू क्यों एग्जाम पेपर कॉपी करने नहीं दे रही है, और तू कभी किसी से कॉपी करती भी नहीं है, ऐसा क्यों है. तो तभी एक मौका मिला था कि बोलने के लिए, कि क्योंकि मैं यीशु मसीह में विश्वास करती हूँ.
तो शायद हाँ, तो ये सिर्फ बताना था कि इम्पॉर्टेंट बन जाता है अगर यीशु मसीह में विश्वास है, वो ऑटोमेटिकली हमारे जीवन की जो हम चॉइसेस बनाते हैं, डिसीजंस बनाते हैं, उसमें भी वो चीज रिफ्लेक्ट होता है. थैंक यू अर्पणा. ओवर टू यू सुनील भाई. या थैंक यू अर्पणा एंड साबू फॉर शेयरिंग. इनफैक्ट मुझे भी जो बोलना है वो भी sort of mix of जो भाई और बहन ने बोला है वैसे ही है. one thing which I always thought, okay, जैसे साबू भाई ने point out किया कि हम जब भी stands लेते हैं या फिर हम लोग जब भी कोई चीज बताते हैं दोस्तों को या फिर colleagues को, so I always found it necessary. मुझे ये important लगा है कि हम बताएं कि हम क्यों ऐसा कर रहे हैं. Okay, so what is the reason behind why I am taking such a stand? बहुत सारे व्यक्ति है ये दुनिया में जिसको खुद के प्रिंसिपल्स होते हैं. ओके, एंड समटाइम्स व्हेन यू उनके बात सुनते हैं तो हमको, हम बहुत प्रेरित हो जाते हैं, बहुत इंस्पायर हो जाते हैं कि वाओ इनका प्रिंसिपल्स बहुत स्ट्रांग है और वो उस पर टिके हुए हैं. लेकिन कभी कभी इनका एक स्टैंडिंग नहीं होता है. आई मीन वेयर डू दे टेक दैट प्रिंसिपल्स फ्रॉम, इट कम्स फ्रॉम डिफरेंट प्लेसेस. तो व्हाट साबू सेड आई टोटली एग्री टू दैट, इन द सेंस दैट आप जब भी अपने कलीग्स के साथ या अपने फ्रेंड्स के साथ या फिर स्कूल कॉलेज इधर भी आप जाते हैं, तभी आप कुछ बताते हैं या आप स्टैंड्स लेते हैं, इट इज वेरी एसेंशियल कि आप बताएं कि आप क्यों ऐसा कर रहे हैं. ओके, एंड दैट इज व्हेन वी टॉक अबाउट द बाइबल एंड वी शेयर अबाउट द लव ऑफ गॉड. परमेश्वर का जो प्रेम है उसके बारे में बताते हैं, परमेश्वर का जो वचन है उसके बारे में हम बताते हैं. सो आप जो भी कन्विक्शन है, तो दैट इज द फर्स्ट पॉइंट जो मेरे मन में आए कि हमको बताना जरूरी है कि हम क्यों ऐसा कर रहे हैं. दूसरा यह है कि हमारा कन्विक्शन, अगेन रिलेटेड टू दिस ओनली, यू हैव टू बेस योर कन्विक्शन फ्रॉम द बाइबल. हम बहुत सारे जगह पे हम देखते हैं कि बचपन से सुनते आ रहा हूँ कि आप झूठ बोल सकते हैं किसी की भलाई के लिए. करेक्ट, यू कैन टेल अ लाई फॉर द सेक ऑफ समबडीज बेनिफिट. ओके, बट द बाइबल टीचर्स, बाइबल हमें क्या सिखाता है, झूठ बोलना मना है. इट इज नॉट राइट. ओके, नॉट इट इज दैट यू शुड अवॉइड टेलिंग लाइज, you should not tell lies. Okay, kyunki the father of lies is Satan. Okay, you are not supposed to tell. God doesn't like you telling lies. Aapko nahi bolna hai. Okay, to agar agar koi dekhenge ki are yaar yahan pe koi musibat mein fasa hai aur main jhoot bol ke unko bacha sakta hu, okay, lekin main wo nahi kar raha hu, to pura duniya tum pe bhadak sakti hai. लेकिन तुमको तभी एक स्टैंड लेके तुमको बोलना है, नहीं मैं ये सिचुएशन पे भी, ये परिस्थिति में भी मैं झूठ नहीं बोलूंगा, क्योंकि मेरा परमेश्वर कहता है कि झूठ नहीं बोलना है और मुझे ये परिस्थिति को परमेश्वर के हाथों में सौंपना है, ये परिस्थिति को संभालने के लिए. सो दैट इज अ डिफरेंट एस्पेक्ट दैट वी आर प्रेजेंटिंग टू द वर्ल्ड. सो जब भी हम ऐसा कुछ बात करेंगे, इट इज नेसेसरी दैट वी बेस आवर कन्विक्शंस ऑन द बाइबल. Okay, so we have to tell them कि मैं बाइबल पे विश्वास करता हूँ, परमेश्वर का वचन जो हम बताते हैं बाइबल है उस पे विश्वास करता हूँ. Third is something that came to my mind is when you're working, अगर आप पढ़ाई कर रहे, there is a verse in the Bible, परमेश्वर का वचन कहता है you eat or whether you drink, whatever it is, you do it for the glory of God. Okay, परमेश्वर भले हम खाए या जो भी हम करें, हम परमेश्वर की स्तुति के लिए, उनकी महिमा के लिए हम वो करें. So, with that perspective in mind, जो वो अपना background में हम रखे, हम अगर कुछ भी काम करेंगे तो हम ये careful रहेंगे to see to it that हम कोई गलत रास्ते पे ना जाए. क्योंकि अगर हम काम कर रहे हैं और यहाँ पे थोड़ा सा adjustments करने के लिए बोलता है या थोड़ा सा bribing करने के लिए बोलता है, हम बोलते हैं किसका क्या बुरा हुआ है यार, मतलब काम हमारा हो रहा है, ये काम से शायद 150-200 लोगों का काम बन सकता है. ओके, लेकिन मुझे सिर्फ थोड़ा पैसा खिलाना पड़ रहा है. नहीं, लेकिन परमेश्वर का, अगर मैं सोच रहा हूँ परमेश्वर का महिमा होगा, मैं ब्राइब खिला के या मैं रिश्वत दे के, अगर वो अगर ना बोलता है, इफ दैट थॉट डजंट गिव ग्लोरी टू गॉड, देन आई माइट आज नॉट वेल डू दिस वर्क. सो वेट एट आवर वर्क प्लेस, या फिर हम जैसे अर्पणा ने बताया उनका कॉपी करने के, तो कॉपी करने से मुझे तो मार्क्स मिल सकता है, लेकिन क्या परमेश्वर का स्तुति होगा, महिमा उससे बढ़ेगी, नहीं होगा. सो ऑलवेज थिंक अबाउट दैट, दैट वेदर आई ईट और वेदर आई ड्रिंक, व्हाटएवर इट इज, आई डू इट फॉर द ग्लोरी ऑफ गॉड. सो बेसिंग योर फैक्ट्स, आपका जो परमेश्वर का जो वचन है उस पर हम बात करेंगे, उस पर ही हमको अपना बेस रखना है. एंड हम जो भी करेंगे अपना
फ्रेंड्स के साथ या फिर काम के जगह पे. रिमेम्बर गॉड हैज आस्क्ड अस टू बी होली एज ही इज होली. ओके, सो वी आर नॉट स्मॉल चिल्ड्रन, हम वी आर ऑल ग्रोइंग, हम सब युवा युवी है जो हम लोग grow ho rahe, and we see that in today's world it is very difficult to be holy. Okay, so Parmeshwar kehta hai ki be holy as I am holy. Okay, so when you for work, when you go to your school, when you go to your colleges, there are so many instances that are coming up where you have to compromise on certain situations. And when I say holy, aapko samajh mein aa raha hai ki main kaun sa aspect se baat kar raha hu. Okay, so there is a need. Parmeshwar humko very clearly kehta hai ki humko jaisa wo pavitra hai waisa humko rehna hai. So any stand that you take, anything that you're doing, always remember these aspects in mind. And when you conduct yourself like that unke samne, so to have a girlfriend, to have a boyfriend in today's times is not uncommon nahi hai, matlab wo to chalta hi rehta hai, correct? It is there everywhere, and in fact people will make fun of you, are tumhara girlfriend nahi hai, tumhara boyfriend nahi hai, tumhara jo ek sambandh hona chahiye, jo shaadi ke baad parmeshwar ne bola hai hona chahiye, wo abhi tak tumhara hua nahi hai. So that is the standard the world has today. Okay, wo ek standard mein log chal rahe hain, lekin when we take that stand and when we say that, I remember very strong, very very clearly that when I was working with one of the organizations at Citibank, my first job. Okay, so I was at the age of maybe 22. Okay, and it was a very open culture, Citibank, and wahan pe to go and have a one night stand was not something wrong. Okay, so if we did not do that, okay, although I was not in the Lord, main parmeshwar mein nahi tha, fir bhi mujhe parmeshwar ka ek hamara conscience hota hai jo humko kehta hai nahi ye cheez galat hai. Okay, so people will make fun of you, parmeshwar log tumhara mazak udayega, lekin parmeshwar ye sab dekhta hai. So when you take stands, and I'm glad that I took a stand that time irrespective of whether I knew God or not, because I believe that God worked in my life that time. And today when I look back, there has been people who has asked me, what made you take that decision? Like, just like Arpra shared, okay, various decisions, what made you take that decision? Why did you choose not to go ahead with whatever you had to do? Okay, or whatever we asked for. And that is where you are able to share the gospel. And that is how you can, you know, small things, but it matters in the perspective of God's kingdom. Parmeshwar ka jo rajya hai, uske perspective mein wo bahut maine rakhta hai. I hope I was able to convey that. Yes, thank you, Sunil bhai. So especially दो चीजें जो सुनील भाई ने बताई कि जैसा परमेश्वर पवित्र है वैसा हमें पवित्र बनना है, जो हमें वचन भी बताता है, और हमें विश्वास योग्य रहना है परमेश्वर के प्रति, और परमेश्वर ने हमें विवेक दिया है, कॉन्शियसनेस दिया है जिसका हमें इस्तेमाल करना है, जो परमेश्वर ने सबको दिया है, भले ही हम विश्वासी हो या नहीं हो, पर उसको तो हम कहीं ना कहीं अपने हृदय में दिल में जानते हैं कि जो हम कर रहे हैं वो सही है या गलत है, और उसको इस्तेमाल करना है. जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो ये है, जो काफी हद तक सुनील भाई ने और साबू ने भी टच किया और इवन अर्पणा ने भी, बट मैं आप लोगों से सुनना चाहती हूँ. आप लोगों के साथ भी ऐसा हुआ होगा, स्कूल कॉलेज काम के जगह पे, और होता भी रहता होगा, क्योंकि व्यक्तिगत रूप से मेरे साथ ये होता रहता है कि जब भी ऐसे कोई पार्टीज होता है या जब हम फ्रेंड्स के साथ होते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि ये स्मोक नहीं करता या ड्रिंक नहीं करती या कभी इसने ड्रग्स नहीं लिया है या कभी गांजा नहीं मारा है. सो ये सब ऑफकोर्स ये सब आई वुड से टेम्पटेशन या तो परीक्षा के रूप में आया होगा, या आपके फ्रेंड्स या कॉलीग्स जो आपके साथ काम करते हैं उन्होंने बोला ही होगा कि अरे क्या तुमने तो अभी तक मजा ही नहीं लिया है जीवन का, ये क्या कर रहे हो, इतना एक ही लाइफ है, उसको ऐसे ही बिता दोगे क्या. तो ऐसा कोई भी एक इंस्टेंस मैं चाहती हूँ, एक घटना जो आपके जीवन में हुई हो वो आप शेयर करें. साबू एक्चुअली दो दो चीजें मैं बोलना चाहूंगा, दो ऐसी घटनाएं हुई है, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा लेकिन फिर भी मैं कहना चाहता हूँ, क्योंकि ये दोनों घटनाएं मेरे साथ हुई थी जहाँ पे मुझे स्टैंड लेना पड़ा था. एक तो मैंने हमारे यहाँ पे यूथ मीटिंग में एक बार मैंने शेयर किया था, जब मैं इंजीनियरिंग कर रहा था तो मेरे सेकेंड ईयर के एक एग्जाम्स के बाद मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त था,
तो वो काफी मेरे साथ क्लोज था, हम लोग एक साथ बहुत सारी चीजें करते थे, बाहर जाते थे, घूमते थे, तो और पढ़ाई भी साथ में करते, तो वो काफी क्लोज था मेरे। तो एक बार ऐसा हुआ कि हमारा एग्जाम्स अच्छा गया और एग्जाम्स के लास्ट डे पे उसने मुझसे कहा कि साबू एग्जाम्स इतना अच्छा गया, चलना किधर बाहर जाते। तो मैंने बोला ठीक है हम जाते। तो उसने मुझसे कहा कि चलो हम शिरडी जाते करके। तो मुझे समझ में आया वो क्या कहना चाह रहा है। वो शिरडी में जो साई बाबा का मंदिर होता है, जो शिरडी इज नोन फॉर दैट, तो एक्चुअली मुझे वहां पे जाने के लिए कह रहा था। तो उसके मन में ये था कि चलो एग्जाम्स अच्छा गया, एक आउटिंग भी करते और उसके हिसाब से ऊपर वाले का भी धन्यवाद करके आ जाते। तो मैंने उससे कहा कि नहीं मैं शिरडी नहीं आऊंगा। तो उसने फिर पूछा कि क्यों नहीं आएगा। तो मुझे पता था कि उसे जब मैं अपना रीजन दूंगा उसे शायद से अच्छा नहीं लगेगा, उसे मुझ पे गुस्सा आएगा। बट फिर भी मैंने उसे बोला कि एक फोन पे बात कर रहे थे हम, तो मैंने बोला कि मैं फोन पे नहीं बोलूंगा, तू मिल मेरे को। तो हम लोग एक जगह पे मिले और मैंने उससे क्लियर कट मैंने उससे बता दिया कि मैं इस प्रकार हूँ, मैं सिर्फ एक ही जीवित परमेश्वर पर विश्वास रखता हूँ और प्रभु यीशु मसीह को ही मैं उनकी आराधना करता हूँ। तो अगर मेरा एग्जाम अच्छा गया है तो मैं उनको धन्यवाद करूंगा, उसके अलावा मैं शिरडी या मंदिर या किसी और जो भी देवी देवता है मैं उनके सामने माथा टेकने सब मैं नहीं आऊंगा। जैसा मैंने सोचा वैसा ही हुआ। उसने बात तो मान ली मेरी, लेकिन उसने मुझसे बहुत बातें कही कि तू जो ये तेरी ये जो सोच है ये किसी जो जैसा कि हम मूवीज में देखते हैं ना, पिक्चर में दिखाते हैं कि लोग कहते हैं कि ये धर्म के लोग तुम्हारा दिमाग खराब करके रख देते हैं, ऐसा सब बोल के सब परमेश्वर एक ही है, ये इस फर्क नहीं पड़ता तो कि तुम किसको मानते हो, सच्चे दिल से मानो। तो मैंने उससे तभी मैं उतनी अच्छे से बात नहीं कर पाता था, लेकिन मैंने उसको अपने तरीके से बताया कि ऐसा नहीं है, मेरा विश्वास मैं उस पर टिका रहूंगा कि मैं केवल प्रभु यीशु मसीह को ही उनकी आराधना करता हूँ। तो ठीक है, थोड़ी थोड़ी मुश्किल हुई लेकिन परमेश्वर ने संभाल ली। वो ऐसा कुछ नहीं हुआ कि फिर उसने मुझसे बात करना बंद कर दिया, लेकिन वो जान गया कि कहीं भी किसी मंदिर या किसी और जगह पे साबू को मत बुलाना क्योंकि वो नहीं आएगा। तो इस प्रकार जैसे मैंने पहले कहा कि पहले दिन से अगर आप वो निश्चय कर लोगे और बता दोगे सामने वाले को, तो आपका विश्वास आपको उनके साथ बांटना है और उसके बाद से वो आपको परेशान नहीं करेंगे। दूसरी एक बात ऐसी हुई थी, एक बार मैं कहीं से आ रहा था, तो मुझे याद नहीं कौन से रेलवे स्टेशन पे, एक रेलवे स्टेशन पे मैं चल के आ रहा था, एक बंदा वहां पे कोने पे बैठा था, अच्छे खासे ऑफिशियल कपड़े में था, वो टाई थी, फॉर्मल्स पहना हुआ था। अचानक से वो मेरे सामने आया और मेरे हाथ में एक पेपर ऐसे पकड़वाने के लिए देखा उसने और कहा कि सर ये एक सर्वे है, आप मेरे लिए भर दोगे क्या करके। तो मैंने कहा ये क्या सर्वे है। तो उसने वो एक कंपनी में काम करता है, कंपनी में एम्प्लॉय है वो, और उनका वो कंपनी एक रिसर्च फर्म है, वो लोग सर्वेस लेते हैं। तो उसका काम था स्पेसिफिक इंडस्ट्री के लोगों के पास जाकर उनसे सर्वे लेना किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में, और वो बंदा ऐसे रेलवे स्टेशन पे बैठे सबको फॉर्म्स बांट रहा था, आने जाने वालों को फॉर्म्स बांट रहा था और बोल रहा था कि भर दो, ऐसे टाइम पास के लिए भर दो, मुझे सिर्फ अपना कोटा पूरा करना है। तो मुझे वो बहुत गलत लगा। मैंने उससे कहा पहली बात तो मैं वो इंडस्ट्री से बिलोंग नहीं करता, मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। तो उसने बोला कि अरे फर्क नहीं पड़ता, जानना जरूरी नहीं है, कुछ भी अपने हिसाब से लिख दो। मैं बोला मैं ये नहीं करूंगा और मैं झूठ तो नहीं लिखूंगा, और आप जो कर रहे हो आप भी बहुत गलत कर रहे हो, आपको सैलरी दिया जाता है, आपका काम है कि आप जाके ठीक तरीके से जहाँ पे जाके रिसर्च करना है वो कीजिए। तो वो बंदा बोला कि अरे आप ऐसा क्यों कर रहे हो, मेरा टारगेट नहीं होगा, आप कर दो लिख दो। तो उसने बहुत फोर्स किया बट मैंने नहीं कहा, और मैंने ये भी कहा कि मैं मसीह हूँ और मसीह होने के नाते मैं ये तो बहुत बड़ा एक झोल है, मैं ये नहीं कर सकता करके। तो फिर उसने इस आश्चर्य से मेरी तरफ देखा और बोला कि आप ऐसा कैसा कर सकते हैं, किसी का भला हो रहा है, मेरा टारगेट हो रहा है, आप इसके लिए अपना प्रिंसिपल्स को लेके बैठे हैं कि आप झूठ नहीं बोलते, ये नहीं करते, वो नहीं करते। मैंने कहा कि मैं समझता हूँ आपकी तकलीफ है, लेकिन मैं बोला कि मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा, जाइए इंडस्ट्री में जिससे भी है, जो सही लोग हैं उनसे जाके सर्वे ले लीजिए, आपका काम ठीक हो जाएगा, मैं उसके लिए प्रार्थना करूंगा। तो जब तक मैं वहां से नहीं गया वो बंदे ने मुड़ मुड़ के मुझसे कुछ ना कुछ मेरे बारे में बोलता ही जा रहा था कि ऐसे कैसे लोग हैं, बहुत सारी चीज। तो एक बात मैं सबसे कहना चाहूंगा, परमेश्वर का वचन कहता है कि इस संसार से मित्रता रखनी है तो
परमेश्वर से बैर अपने आप हो जाएगा, और अगर परमेश्वर से मित्रता रखनी है तो इस संसार से आपका बैर हो जाएगा, यहाँ के इस संसार के लोग आपको पसंद नहीं करेंगे। और यीशु मसीह ने भी कहा है कि एक जो शिष्य है वो अपने गुरु से आगे नहीं बढ़ सकता, और हमारे जो गुरु है वो प्रभु यीशु मसीह है। अगर लोगों ने उनसे नफरत की, अगर लोगों ने उनसे बैर रखा, तो ये जान लीजिए कि अगर आप मसीह का अगर आप उनके दूत बनकर इस संसार में जा रहे हैं तो लोग आपको पसंद नहीं करेंगे, लोग आपके बारे में बुरा भला कहेंगे, आपको ना पसंद करेंगे, आपके खुद के दोस्त, हो सकता है कि आपके घर वाले भी आपको आपके बारे में बुरा भला कहे। लेकिन हमें पहले ही निश्चय कर लेना है कि हमें किसके साथ जाना है, संसार के साथ जाना है या परमेश्वर के साथ जाना है। और एक बार वो निश्चय आपने कर लिया मन में, तो आपको परमेश्वर स्वयं सहायता करेंगे कि आप उस समय में आप सही निर्णय ले सके। तो यही बात है, मन में निश्चय कर लीजिए कि मुझे क्या करना है, मुझे किस साइड में रहना है, परमेश्वर के साइड में या संसार के साइड में, और परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए कि आपको वो बल दे कि वो आप उनके लिए खड़े हो सके। या थैंक यू। थैंक यू साबू। और जैसा तुमने अभी बताया तो मैं मुझे एक वचन याद आ रहा था जिसमें ऐसा लिखा है कि सबसे अधिक अपने मन की चौकसी करो, कि अगर हम मन में ठान लेंगे कि चाहे कुछ भी हो जाए हमें परमेश्वर के पीछे ही चलना है, तब परमेश्वर भी हमारी सहायता करेगा। पर अगर हम मन में ही डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं तो ये आगे चलकर हमारे लिए दिक्कत को उत्पन्न करता है। अर्पना, या थैंक यू रोहमा। आई थिंक मैंने प्रीवियसली जब मैं बात कर रही थी तभी पार्टीज पे जो चीज है मैंने थोड़ा डिस्क्रिप्शन दिया था, पर आई थिंक एक जो बहुत मेजर चीज है जो कॉलेज स्टूडेंट्स को फेस करना पड़ता है, ना ही सिर्फ कॉलेज स्टूडेंट्स को, इवन वर्क प्लेस पे, वो है ड्रिंकिंग। अभी ड्रिंकिंग टॉपिक पे बहुत सारे डिबेट्स है जो इवन क्रिश्चियन सर्कल्स में होता है कि यार एक ग्लास पीने से या थोड़ा बहुत पीने से क्या हो जाता है, ओकेजनली पीने से क्या हो जाता है, वो एक डिबेट है। बट मुझे लगता है कि जब हम अनबिलीवर्स के बीच में होते हैं जो परमेश्वर को जानते नहीं है, उन लोग को वो मालूम होता है कि ये जो ड्रिंकिंग है वो एक्चुअली गलत है। एक एक तरीके से उनको वो चीज मालूम होती है, इसलिए जब हम नहीं बोलते हैं उनको थोड़ा खटकता है। और वो एक एक सवाल बार 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 मुझे मिला है, ये सवाल लोगों से वो है कि तुम क्रिश्चियन हो ना तो तुम पीते क्यों नहीं हो, क्योंकि ऐसा एक रेप्यूटेशन है शायद क्रिश्चियंस में कि हम लोग वाइन पीते हैं या हम लोग बियर विस्की पीते रहते हैं वो सब। तो जब उनको बोला जाता है कि हम लोग जब चर्च में इवन दाकरस लेते हैं, उनको लगता है कि हम रियल वाइन लेते हैं, जो एक्चुअली कुछ लोग लेते भी है बट हमारे चर्चेस में हम लोग वो लेते नहीं है। तो ये सारे एक्सप्लेनेशंस वगैरह देना पड़ता है। बट ये ड्रिंकिंग जो चीज है वो एक चीज है जो मैंने भी फेस किया है लाइफ में। एक इंसिडेंट मुझे याद आता है फ्रॉम कॉलेज डेज, जब मैं कॉलेज में थी तब मेरी गर्लफ्रेंड्स के साथ ही हम लोग एक स्पोर्ट्स बार में गए। स्पोर्ट्स बार मतलब वो एक्चुअली बार नहीं था बट इट वॉज बहुत एक स्पोर्टी मतलब स्पोर्ट्स फील्ड एरिया था वो, एक्चुअली जो स्पोर्ट्स लोगों को पसंद है वैसे लोगों के लिए था वो। वहां पर कोई लोग कुछ गर्ल्स थे तो मेरे फ्रेंड्स को उन्होंने नॉर्मल सा ड्रिंक लेना चाहा और मुझे भी बोला कि तू भी ले, हम लोग उसमें थम्स अप और वगैरह मिक्स करके पी लेंगे करके। तो मुझे एक्चुअली ऑनेस्टली टेम्पटेशन हुआ था वो ड्रिंक पीने के लिए, मुझे बहुत टेम्पटेशन हुआ था। हाँ तो क्या है, थोड़ा पी लेंगे, एक सिप पी लेती हूँ, एक घूट पी लेती हूँ, उसमें क्या है। तो मेरे दो और फ्रेंड्स थे मेरे साथ जो बिल्कुल मेरे जैसे थे, उन्होंने भी ड्रिंक नहीं किया था और उन्होंने उस दिन किया, उन्होंने वो ड्रिंक्स किया। और फिर मुझे लगा अरे अभी हम लोग के बीच में ही तो रहेगा वो चीज, किसी को थोड़ी पता चलेगा, एक ड्रिंक कर लेती हूँ मैं, उसमें क्या है। मगर अंदर से ना बहुत अनइजीनेस हो रहा था और एक आवाज बार बार बोल रही थी कि यार ठीक है, हमेशा सबका पहला बार होता है, एक बार हो जाएगा तो बार बार करने का मन करेगा, इसलिए क्यों एक बार भी क्यों करना है,
करके, तो वो बार बार अंदर से आ रहा था कि यार ठीक है तुझे सपोज पसंद आ गया था तो बार बार ये चीज करने का तुझे टेम्पटेशन आ जाएगा करके. तो मैंने बहुत मैं देख रही थी उन लोग जिन्होंने न्यूली जो मेरे फ्रेंड्स थे उन्होंने भी पहले बार टेस्ट किया था, उनको बहुत पसंद आया था और फिर टेम्पटेशन हो रहा था कि यार एक सिर्फ मगर परमेश्वर की दया से वो नहीं वो परमेश्वर की दया से मैंने वो नहीं छुआ. और वो इंसिडेंट होने के बाद एक दिन मेरे घर में मैं कॉलेज से आ रही थी तो एक चीज मिलता है कॉल्ड फ्रूट बियर. तो फ्रूट बियर कुछ नहीं होता एक्चुअली, सिर्फ पानी है वो, मगर उसको पता नहीं फ्रूट बियर क्यों नाम दिया गया है. तो मैं घर आई और मैंने मम्मी को इन्फॉर्म किया कि मैंने आज फ्रूट बियर पिया. तो मेरी मम्मी को सिर्फ बियर सुनाई दिया उसने. और मुझे जो उस दिन जो मेरे साथ हुआ बहुत बहुत मार मिला था उस बात पे मुझे. बट वो आज एक दो मुझे वो टाइम पे बहुत बुरा लगा था वो बात का. फिर मैंने बात उनको एक्सप्लेन किया, देखो फ्रूट बियर नहीं है वो, सिर्फ पानी है, मुझे वैसे भी पसंद नहीं आया था वो चीज. बट वो अभी भी मुझे ध्यान में आता है अगर कोई भी अगर बियर दिख जाए या विस्की दिख जाए वो दिन मुझे डेफिनेटली याद आता है. मगर वही चीज जो बताना था कि परमेश्वर, अगर हम परमेश्वर में सच्ची में विश्वास करते हैं, परमेश्वर की आत्मा हमें प्रवेश करता है तो एक आवाज रहती है अंदर से. अगर बहुत बहुत टेम्पटेशन होता है, ऐसा नहीं है कि लालच नहीं होता है, यू नो टेम्पटेशंस नहीं होता है, वो होता है, पर एक आवाज रहती है जो परमेश्वर हमारे उनके वचन के द्वारा बात करते हैं कि जब अगर तुम्हारे एक परमेश्वर का वचन कहता है अगर तुम जो चीज करते हो उसको देखकर किसी और का भला हो रहा है तो तुम वो चीज करो, अगर भलाई नहीं हो रहा है, अगर तुम एक सही चीज भी कर रहे हो मगर किसी और का उसमें भलाई नहीं हो रहा है, वो इंसान शायद परमेश्वर में आने के लिए उसको शायद कुछ वो एतराज करेगा उसका, तो तुम वो चीज मत करो. तो वही बार बार दिमाग में आता है कि शायद मुझे आज तक पता नहीं, मतलब मैं ये नहीं कह सकती कि ड्रिंकिंग इज रॉन्ग, मैं वो चीज नहीं कह सकती, मगर कितना शायद कितने मात्रे में आप पीते हो या क्या आपके पीने से किसी का भला हो रहा है या आपके पीने से किसी का भला नहीं हो रहा है ये, और क्या आपके पीने से, पहला क्वेश्चन जो आना चाहिए वो है कि क्या परमेश्वर का महिमा हो रहा है उस सिचुएशन में आपके पीने से. अगर परमेश्वर का महिमा हो रहा नहीं हो रहा है तो क्यों करना है वो चीज. और अगर आपके पीने से आप भी आपके ऐसे अनबिलीवर फ्रेंड्स के साथ शामिल हो जाते हैं और उनको लगता है कि हाँ आप भी हम में से एक हो, तो सच्चाई है कि हम उनमें से एक नहीं है. तो वो एक ध्यान में रखना है कि क्या मैं इनमें से एक हूँ, क्या मेरा कार्य जो भी मैं करता हूँ क्या या करती हूँ, क्या मैं ऐसा दिखाती हूँ कि मैं ये जो परमेश्वर को जानते नहीं है, क्या मैं उनमें से एक हूँ, क्या ऐसे बिहेवियर है मेरे, वो एक आई थिंक एक चेक करना पड़ेगा हर डिसीजन लेने से पहले. थैंक यू अर्पना. सुनील भाई. I think we are just having a little time on this. I'll quickly rush up hopefully. इसमें बहुत सारे इंसिडेंट्स हैं जो मुझे याद आ रहे हैं कि मैं झूठ बोलूंगा अगर मैं बोल रहा हूँ नहीं 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 मैं तो कभी पिया नहीं हूँ, कभी ऐसा नहीं किया हूँ, वैसा नहीं किया. बट ऑफकोर्स बहुत सारे इंसिडेंट्स है, बट उसमें से तीन चार चीजें हैं जो मेरे एकदम मन में it's very clear and I still remember about it sometimes. बहुत बार उसको याद करते हैं. उसमें से एक इंसिडेंट था कि जब मैं छोटा सा था, maybe छोटा बोलो तो maybe I would be in 5th standard 6th standard, okay, and I found a packet of cigarette at my home. Okay, my daddy used to smoke long before that, even my uncle. So one day when they came and वो लोग गलती से एक पैकेट यहाँ पे छोड़ के गए, तो मुझे बहुत टेम्प्ट हो रहा था. वहाँ पे एक कोने में एक सिगरेट का पैक पड़ा है एंड उसमें से दो सिगरेट था और इट वॉज लाइक वो एक आई डोंट नो हु सेड दैट, आई थिंक वंस मेरा एक प्रोफेसर ने बोला था कि इट इज नॉट गुड टू गेट इनटू सिगरेट्स बिकॉज आप लोग काफी छोटे हैं लेकिन बड़ा होने के बाद चलता है. दैट वाज द एटीट्यूड, दैट वाज द स्टेटमेंट दैट ही मेड. बट ही आल्सो सेड कि मतलब आप बच्चे लोग हो और आप लोग ऐसा करते हैं कि मतलब विद द सिगरेट इन माय हैंड आई फेल्ट लाइक अ मैन. डोंट गेट इनटू दैट काइंड ऑफ
यू नो हैबिट, बिकॉज सिगरेट हो या आई मीन स्मोकिंग हो या फिर ड्रिंकिंग हो या फिर कोई ड्रग्स हो, एनीथिंग, इट डजंट मतलब वो आपको एक सुपरफिशियल एक फीलिंग देता है कि मतलब वाओ, मतलब ये मर्दानगी का साइन है या फिर ये एक मतलब आप मैच्योर्ड हो गया उसका एक साइन है. इट इज ए नो वे शोइंग दैट. ओके, वन सेकंड थिंग वाज, आई रिमेंबर मैं जब एमबीए के लिए पढ़ रहा था, मेरा हॉस्टल में वी वर डिफरेंट पीपल स्टेइंग टुगेदर, द सेंस दैट नॉट जस्ट जो मेरे साथ एमबीए के लिए पढ़ रहा था बट इंजीनियरिंग में भी इंजीनियरिंग का कुछ स्टूडेंट्स भी थे. उसमें से एक लड़का आई थिंक फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग में ज्वाइन किया था एंड ही हैड कम टू आवर हॉस्टल. हम लोग उसके कंपैरिजन में या फिर हम लोग को लगता था कि उसके कंपैरिजन में हम बहुत अच्छे थे बिकॉज वो बंदा हेवीली इनटू ड्रग्स ही वाज. ओके, वेरी हेवी इनटू ड्रग्स. ओके, बट फ्रॉम व्हाट वी स्पोक टू हिम, व्हेनेवर ही स्पोक टू हिम, बहुत अच्छा सा लड़का था इन द सेंस दैट वो सॉफ्ट स्पोकन था एंड अच्छे से इंटरेक्ट सब करता था. लेकिन उसका एक बुरा एक आदत ये था तभी हमारे वो नजर से कि ही वाज हेवीली इनटू ड्रग्स. And even before, and he used to keep asking me, मतलब हमारा अच्छा बनता था. Usually I have a good rapport with people. So जब ही मैं उसके साथ बात करने गया तभी वो बोल रहा था, अरे Sunil, have you ever tried out drugs? So maybe somewhere he felt that I was already into smoking and drinking. I don't know why, because the rest of the people in my group were. So maybe उनको लगा कि शायद मैं भी उसमें हूँ. तो उन्होंने बोला, smoking और ये छोड़ो, आपने drugs कभी try किया है? तो मैंने तो बोला, नहीं यार, मैंने तो ये भी ट्राई नहीं किया, तो आप ड्रग्स का क्या बात कर रहे हैं. बट एनीवेज आई डोंट थिंक दैट इज राइट फॉर यू टू डू इवन. बट तभी भी मैं मसीह में नहीं था, बट देयर वाज समथिंग दैट ऑलवेज टोल्ड मी दैट दीस थिंग्स आर रॉन्ग. ओके, यू आर नॉट सपोज टू गेट इनटू दैट. जस्ट वॉन्ट अस टू बी अवेयर. मैं ये सावधान करना चाहता हूँ सबको कि भले हम पीने में जाए या फिर स्मोकिंग करेंगे या ड्रग्स में जाएंगे, ये लड़के के साथ क्या हुआ मैं बताता हूँ. In a nutshell, that after two months, we came to know that this guy was murdered. Okay, he was murdered brutally, and his body was found in Bashi Creek. Okay, and that was because he was extensively on drugs. वो इतना drugs में था और उसको वो बार बार वो drugs लेता रहता था. And शायद वो किधर से मंगाता था पता नहीं, but वो जो source से वो लेता था, उनका वो शायद उनको पैसा दे नहीं पाया. Okay, they used to supply him, they used to keep supplying him, and ये बोलता था, हाँ मैं देता हूँ. And ये उन्होंने मुझे बताया था when we were actually talking. But the point came to such an extent कि दो महीने के बाद, one fine day in the evening, we came to know, when we came back from our college, MBS college, that police was there and lot of inquiry, lot of पूछताछ चल रहा था. तो हमको तभी मालूम पड़ा कि ये बंदे का murder हुआ है. And then we came to know that this was the reason. So, whatever the reason might be, you know, even see, he has invited me to take that. I felt it was wrong. Another instance was when my close group of friends, okay, jo mere abhi bhi kareebi dost hai, wo, okay, they are non-Christians, but they always felt that to have a jolly good time, saath mein peena zaruri hai. Okay, jo to main school mein jab hi tha, sorry, college mein jab hi tha, junior college mein, main unke saath baithta tha. And I used to have breezer is a very mild form of beer or drink that you can call, but I used to not go beyond. Ek point aa gaya ki main masih mein aaya, when I came to know that this is also wrong, or when I should not be doing this, I will be a wrong testimony. I said this to my friends, I will not do this, and I really feared that my friendship with these guys will actually break off, because at every point they used to have some or the other drinking occasion. And lekin I just want to praise God that this was one time when I think they saw that this person stood for something that he believed in. And today, just few months back, okay, and that gave me an opportunity to share the gospel with them. And we have had heated arguments, that is a different thing, and it's a different thing that they have not come to the Lord also, but that opened a platform for me to share the gospel with them. And today they know that the stance that I take, okay, so much so that one of my friend younger brother got married recently in Jan 2020. And since I am into events, you know, he told me, Sunil, why don't you manage the entire event? Okay, but when it came to, you know, arranging for the bhaji and you know, other things, when it was related to the Hindu culture or Hindu religion,
he knew that I will not participate in that. So he very clearly said that, okay, mujhe pata hai tum wo nahi karega. But I just took one step forward and I said, see, I will not even give you my sound speakers or my speakers. So he was a little surprised. He said, tumhara speaker dene mein kya hai? Thodi main usme se kuch karne wala. I said, no, anything that defiles even my speaker saying that, okay, tumhara, you know, that mantra or something that you will say in that, this is something that I've dedicated for the Lord. So I will not allow my, you know, stuff to be used for even for that purpose. So there have been stands which I have taken, and there have been my very close friends who have observed that there are stands being taken by me. And I'm sure that maybe somewhere, someday, God will honor that decision and will also enable them to see God's saving grace someday in their life. This was one of the two or three stands which I could take, which God purely enabled me to do that. Thank you. या प्रेज गॉड, परमेश्वर की महिमा हो. और मुझे जब मैं आप लोगों का ये जो भी इंसिडेंसेस हुआ है लाइफ में, ये जब मैं सुन रही थी तो मुझे एक वचन याद आ रहा था जो कि नीति वचन में लिखा है, जिसमें ऐसा लिखा है कि जब शराब धार के साथ उंडेला जाता है ग्लास में, तब उसको देखना भी मत. सो ये इतना स्ट्रॉन्ग वचन इसलिए है क्योंकि वो हमें टेम्प्ट कर सकता है. और फिर अगर हम रेवलेशन प्रकाशित वाक्य के एंड में पढ़ेंगे तो उसमें ऐसा लिखा है कि पियक्कड़ लोग परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे. ये भी बहुत स्ट्रॉन्ग वचन है. और हो सकता है एक बार दो बार पीने के बाद हमारे कंट्रोल में नहीं रहता है कि हमें लत लगेगा या नहीं लगेगा, वो लग जाता है लत. सो और जैसा अपर्णा भी बोल रही थी कि जो उसने बोला वो पौलुस ने कहा है कि हर एक बात अच्छी है पर सब बात मेरे लिए भली नहीं है. तो ये बहुत जरूरी है कि हम सब ये बात को समझे. और स्पेशली मेरे जीवन में परमेश्वर ने मुझे ये कन्विक्शन दिया है कि जैसा वचन में लिखा है, मेरा जो शरीर है वो पवित्र आत्मा का मंदिर है और इसमें परमेश्वर का आत्मा वास करता है. सो हम अपने नहीं है, हम दाम देकर मोल लिए गए हैं. सो हमें यह इंश्योर करना है कि हमारे हृदय से, हमारे शरीर से परमेश्वर का महिमा होना चाहिए. और ये भी कि हमें हमारे ऊपर सबसे ज्यादा कंट्रोल, जब भी हम कोई ऐसा चीज करते हैं, चाहे ड्रग्स हो, स्मोकिंग हो, ड्रिंकिंग हो या कुछ भी हो, तो हम अपने ऊपर से कंट्रोल खो देते हैं कुछ समय के लिए, क्योंकि हम उस टाइम पे बहुत शायद हाई फील करने लगे या कुछ भी, जो भी फीलिंग आते हैं जिसकी वजह से ये किया जाता है नॉर्मली. सो हमें ये समझना भी है, बहुत जरूरी है, कि हमारे ऊपर सिर्फ होली स्पिरिट, परमेश्वर का आत्मा का कंट्रोल होना चाहिए और किसी चीज का कंट्रोल नहीं होना चाहिए. रुहामा, इफ आई मे जस्ट ऐड, आई एम सॉरी फॉर यस 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 श्योर. ओके, सो जस्ट वांटेड अस टू रियलाइज, हमें ये याद रखना चाहिए कि ये जो लत, आई थिंक एडिक्शन इज लत, राइट? या ओके, सो ये जो भी है, ओके, सो ऑल दीस एडिक्शंस, लत जो है, दीस आर टेम्पटेशंस. ओके, इफ यू क्लियरली सी, ऑल टेम्पटेशन टू, यू नो, ड्रिंक अगेन, टेम्पटेशन टू गेट इनटू ड्रग्स, टेम्पटेशन टू फॉल इनटू सेक्सुअल सिंस, टेम्पटेशन टू, यू नो, स्मोक, whatever it is. And God has very clearly, jo Parmeshwar ne apne vachan mein very clearly bola hai, 1 Corinthians 10th adhyay and 13th vachan mein, that no temptation has overtaken us except what is common to mankind. And God is faithful. He will not let you be tempted beyond what we can bear. Okay, so when we say that it is a temptation, okay, God clearly says that we can, you know, we can be, He is faithful and that we cannot be tempted beyond that. And when God is, when we are tempted, God will also help us to come out of it. He definitely gives a way out of that, which also He supports in Romans chapter 8, verse 37, where it says, in all these things, we are more than conquerors through Him who loved us. All right, so this is something that we need to remember very strongly. सो ब्रदर सुनील ने ये बताया कि परमेश्वर का वचन में ऐसा लिखा है कि परमेश्वर हमें कोई भी ऐसी परीक्षा में नहीं डालता जो हमारे सहने से बाहर हो. और अगर परीक्षा आती है तो परमेश्वर हमें अनुग्रह भी देता है उसके थ्रू जाने के लिए. सो यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमें यह बात को याद रखना. इसके बाद जो हमारा क्वेश्चन है वह यह है कि हम लोग कोई भी परफेक्ट नहीं है और परमेश्वर हम सबकी ताड़ना करता है कभी ना कभी. अगर हम लोग मुंबईकर लैंग्वेज में बोले तो परमेश्वर हमें फटका लगाता है. और परमेश्वर अगर जरूर ऐसा होता है कि कभी ना कभी परमेश्वर ने हमारे किसी चीज के लिए हमें दंड भी दिया हो. और बाइबल जो है, पवित्र शास्त्र जो है, ये हमें बताता है कि परमेश्वर जिससे प्रेम करता है उसको डांटता भी है. सो मैं चाहूंगी कि हमारे तीनों पैनलिस्ट साबू, अर्पणा और सुनील भाई अपने जीवन का कोई एक ऐसा जो परमेश्वर का फटका हो या डांट हो या ताड़ना हो वो हमारे साथ शेयर करें और परमेश्वर ने उसके द्वारा क्या सिखाया. हमारे पास समय कम है तो मैं चाहूंगी कि आप लोग कम शब्दों में संक्षेप रूप से शेयर करें.
Over to you, Sabu. थैंक यू रोहमा. बस इतना कहना चाहूंगा कि जैसे कि आपने कहा, परमेश्वर हमारे पिता है और एक अच्छा पिता हमेशा अपने बच्चों को फटकार जरूर लगाएगा. अगर कोई पिता अपने बच्चों को नहीं मारता, उन्हें डिसिप्लिन नहीं करता, ये मारना एक सेंसलेस मार नहीं होता, इसके पीछे एक कारण होता है. और अगर कोई भी अच्छा पिता होता है वो अपने बच्चे को जरूर फटकार लगाएगा ताकि वो गलत रास्ते से सही रास्ते पर आ जाए. मुझे इस बारे में मैं पता नहीं क्या क्या बोलूं, क्योंकि मुझे तो बहुत फटकारें मिली है मेरे शारीरिक पिता के हाथ से भी और मेरे प्रभु के हाथों से भी बहुत फटके मिले हैं. एक तो मैं जो याद कर सकता हूँ वो ये है कि मैं बचपन से ही बहुत एक अच्छा ब्राइट स्टूडेंट था. मैं हमेशा मार्क्स मेरे बहुत अच्छे आते थे, स्कूल में हो या कहीं पे, कॉलेज में भी. हाँ, कॉलेज में भी ठीक ठाक ही मार्क्स आते थे. तो कहीं ना कहीं मेरे अंदर वो एक घमंड था कि मैं जो लोग अच्छे से पढ़ नहीं पाते थे, जिनके मार्क्स कम आते थे, मैं उन्हें हमेशा एक नीचे नजरों से देखता था कि कैसे लोग हैं, 11th में फेल हो जाते हैं, 12th में फेल हो जाते हैं, ये तो बच्चे लोग भी पास कर लेंगे. और मेरे ऐसे दोस्त थे जो कई सब्जेक्ट्स में फेल होते थे, और मुझे कहीं ना कहीं उस चीज का एक घमंड था कि मैं बहुत अच्छा ब्राइट स्टूडेंट हूँ, हमेशा बहुत अच्छे मार्क्स लाता हूँ. और पता नहीं, वो मैं तो उसे दंड ही मानूंगा, फटकार ही मानूंगा परमेश्वर की ओर से. मैं जब इंजीनियरिंग में गया तो मेरे पहले सेमेस्टर में 6 सब्जेक्ट थे जिसमें से मुझे 6 KT लगे थे. 6 के 6 में भी मैं फेल हुआ था मेरे पहले एग्जाम में. जब मैं कॉलेज में जब मैं रिजल्ट देखने गया था, और फिर मैंने मेरे पिता को कॉल करके बोला कि रिजल्ट आ गया है और 6 सब्जेक्ट में मुझे 6 के 6 भी मैं फेल हो चुका हूँ, मेरे पिता ने उस पर यकीन ही नहीं किया था. उन्हें लगा कि मैं मजाक कर रहा हूँ, तो उन्होंने कहा कि चलेगा चलेगा, तू घर पे आ जा, वो क्या होता है, फेल तो होते रहते. तो मुझे लगा कि मेरे पिता कितने अच्छे हैं, सब समझते हैं. और जब मैं घर आया तो, और मैंने सच में उन्हें मार्कशीट बताया कि मैं सब में फेल हुआ हूँ, तभी उन्होंने मुझसे कहा कि तू सच बोल रहा था फोन पे, मुझे लगा तू मजाक कर रहा है. तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि उस घटना के बाद से, मैं ये नहीं बोलूंगा उसके बाद में पास हुआ कि फेल हुआ, लेकिन उस घटना के बाद से मुझे ये पता चला कि जो लोग, हर व्यक्ति किसी अलग अलग जगहों पर गिरता है, हर व्यक्ति की एक तरीके की परेशानी नहीं होती है. मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि हमने अभी एडिक्शन की बात की, लत की बात की. लत अलग अलग तरीके के होते हैं, सबका एक जैसा लत नहीं होता. मैं कभी ये नहीं समझ पाऊंगा कि एक शराबी किस तकलीफ से गुजरता है अपनी शराब की लत को छोड़ने के लिए, क्योंकि मैं शराबी नहीं हूँ, मुझे उसकी आदत तो छोड़ो, मुझे पसंद भी नहीं. लेकिन एक शराबी अपने आप को नहीं रोक पाता उससे. लेकिन मैं किसी और चीज का लत है, मैं टीवी ज्यादा देखता हूँ, शायद से शराबी टीवी ज्यादा नहीं देखते होंगे, तो वो कभी नहीं समझ पाएंगे कि मेरी लत क्या है, मैं किस तकलीफ से गुजरता हूँ. तो उस घटना के बाद परमेश्वर ने मुझे ये सिखाया कि हमें दूसरों के साथ किस प्रकार एक सेंसिटिविटी होना चाहिए. दूसरों के कोई और किसी तकलीफ से गुजरता हो तो ना कि उसे नीचा दिखाना, लेकिन परमेश्वर में उसे दिलासा देना, उसे आगे बढ़ाना और एक दूसरे की मदद करना, ये मैंने उस समय से सीखा है. तो आजकल कोई अगर बोलता है कि वो फेल हो गया या फिर वो पढ़ाई में कम है, मैं पहले होता तो मैं उनका मजाक उड़ाता था कि मतलब ऐसे कैसे मार्क्स आते हैं तुम्हारे. लेकिन परमेश्वर ने मुझे उस स्थिति में लाया, इतने केटी मैंने खुद देख लिए कि आज मैं उनके साथ सहानुभूति दिखा सकता हूँ कि अगर कोई अपने जीवन में बहुत अच्छा नहीं कर पा रहा है तो ये जानना कि वो उनकी अलग सी तकलीफ है, उनकी सहायता करना, ना कि उनका मजाक उड़ाना. तो इस प्रकार एक वो घटना है जिसके द्वारा परमेश्वर ने मुझे फटकार लगाकर कुछ सिखाई. थैंक यू साबू. अर्पणा, मुझे एक चीज याद आता, जैसे कि आज मुझे पूछा गया था कि मेरा फेवरेट वर्स कौन सा है, वो मैं जब बताया कि नीति वचन का जिसमें जैसे लिखा है कि परमेश्वर में विश्वास रखना, ये एक चीज मैंने देखी है कि मेरे जीवन में ऐसे जब परिस्थिति आती है, बहुत सारी परिस्थितियों में शायद मुझे वहां पर ये जो विश्वास है, ट्रस्ट इन द लॉर्ड, वो बहुत डगमत बहुत शेक होता है. ओके, तो वो मैंने एक बार मेरे लाइफ में ऐसा बहुत बार एक्सपीरियंस किया, और उसकी वजह से बहुत बार मुझे ऐसा भी लगा है, हाँ मैं कर लूंगी. हाँ सॉरी, इलेक्ट्रिसिटी चला गया. सो हाँ मैं कर लूंगी करके.
तो ये एक घटना मुझे याद आती है जो मेरे लाइफ को एक्चुअली परमेश्वर ने ऐसा फटका मारा था उस समय. उस समय के बाद से परमेश्वर में विश्वास रखना ये एक ऐसा चीज हो गया था कि मुझे ये करना ही है, कुछ भी हो जाए लाइफ में ये करना ही है करके. तो जब मैं जर्नलिस्ट जैसे काम करती हूँ तो एक ऐसा सिचुएशन आ गया था मेरे लाइफ में जो मैंने कभी सोचा नहीं था. और मुझे ये भी याद है कि जब हुआ था तभी मुझे बताया जा रहा था पहले भी कि वो एक जर्नलिस्ट वो जिस ऑफिस में मैं काम करती थी एक पत्रकार थी जो जिसने बहुत एक बड़ा घोटाला किया था. उसने किसी का कोई एक इंसान था जिसका नाम कुछ था, उसने उस नाम को लेकर उसने किसी और की ऑबिचुअरी मतलब कोई इंसान मर गया था तो उसका ऑबिचुअरी में ये जिंदा इंसान का नाम उसने डाल दिया था. और ये जो इंसान जिंदा था वो कोई तो एक लेखक था. तो ये जब न्यूज़पेपर में पब्लिश होके आ गया था तो बहुत बड़ा इंसिडेंट हुआ था, केस हो गया था न्यूज़पेपर के ऊपर कि आपने कैसे एक जिंदा इंसान को ऐसा डेड पर्सन जैसा पब्लिश किया है आपके न्यूज़पेपर में रख के. तो ये जब मैंने सुना था मुझे ऐसा लगा था कि जैसे साबू ब्रदर ने कहा कि यू नो कभी कभी लगता है अरे ऐसा तो हम नहीं कर सकते यार, ये तो उसने शायद वो उसने ठीक से कुछ किया नहीं करके. बट मेरे लाइफ में ये हुआ कि जब मेरे साथ ये एक बार हुआ, मैंने भी सब अच्छे तरीके से किया था. उस दिन मेरे पास मैं एक पूरा न्यूज़पेपर का पेज करती थी तो मेरे पास एक स्टोरी आया था और उस वो स्टोरी किसी गुरु माँ के बारे में था. तो वो गुरु माँ का एक्चुअली नाम मेंशन्ड नहीं था वो स्टोरी में. हमारे जो ऑफिस के क्राइम रिपोर्टर थे उन्होंने वो स्टोरी आके सबमिट किया था और उन्होंने मैंने उनको पूछा था इनका कुछ नाम वगैरह है, उन्होंने बोला पुलिस ने नाम बाहर दिया नहीं है, आपको सिर्फ ऐसे ही पब्लिश करना है ये स्टोरी. तो मुझे वो पेज का एकदम मेन स्टोरी था, एकदम फर्स्ट स्टोरी था तो उसको एकदम अच्छा बनाना था, बहुत अच्छा ग्राफिक्स वगैरह डाल के बनाना था. तो मैंने बहुत मेहनत एक्चुअली लगाया था उस स्टोरी पे, उसको पेज पे बहुत अच्छा दिखने के लिए. तो मैंने एक और एक गुरुमा है जिसका उनका भी कुछ तो ऐसा प्रीवियसली कुछ तो केस हुआ था तो मैंने वो छोटा सा स्निप एक छोटा सा बाग में वो स्टोरी को मैंने वो ये मेन स्टोरी के साथ जोड़ा और वो गुरुमा का फोटो मैंने डाला था साथ में. पर हुआ क्या था कि मुझे वो समझ में नहीं आया जब मैंने पूरा न्यूज़पेपर वो पूरा स्टोरी सब रात का 12 बजे को जब मैंने सबमिट किया, मेरे जो बड़े बॉस थे उन्होंने देखा, उन्होंने अप्रूव किया, सब अप्रूव हो गया था और उस अप्रूव होने के बाद वो न्यूज़पेपर पब्लिश होने चला गया था. अगले दिन जब मैं ऑफिस आई तो मेरे बॉस आके मुझे बहुत ज्यादा उन्होंने मुझे चिल्लाया, बहुत ज्यादा चिल्लाया और मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ये अचानक हुआ क्या. तो फिर उन्होंने बोला कि तुमने जो स्टोरी लिखा है उसके साथ तुमने किसका फोटो डाल दिया है. तो मैंने बोला कि मैंने वो फोटो स्टोरी के लिए नहीं डाला था, वो दूसरा एक छोटा स्टोरी है जो मैंने इसमें अटैच किया था उसका फोटो था वो. बट उन्होंने बोला वो ऐसा दिख नहीं रहा है. तो प्रॉब्लम क्या हुआ था कि जो ऑनलाइन जर्नलिस्ट्स है जो न्यूज़पेपर के वेबसाइट पे स्टोरीज पब्लिश करते हैं, उन्होंने जो मैंने छोटा दूसरा स्टोरी का फोटो डाला था उन्होंने ये मेन स्टोरी में वो फोटो डाल के वेबसाइट पे डाल दिया था. तो ये जो असल वाली गुरुमा का फोटो जो गया है न्यूज़पेपर पे और वेबसाइट पे, उनके पूरे इंडिया के सारे फॉलोअर्स ने वो देख लिया था और उन्होंने सीधा मेरे ऑफिस को फोन किया, मेरे बॉस को फोन किया, मेरे हेड ऑफिस को फोन किया, बोला कि आप लोग ने हमारे गुरुमा के खिलाफ ऐसे कैसे स्टोरी लिखा है, किसने ऐसा स्टोरी लिखा है, हमारी गुरुमा ने ऐसे कुछ किया नहीं है. तो इतना बड़ा सीन हो गया था और सब मेरे सिर पे आ गया था. और मेरे बॉस ने मुझे बोला कि अगर ये बार कोर्ट हम जाएंगे, हम लोग के न्यूज़पेपर को अगर कोर्ट में घसीटा गया तो वो सिर्फ तेरे वजह से होगा. और वो जब मैंने सुना मेरा दिमाग खराब हो गया था. मैं सोच रही थी कि मैं परमेश्वर अब मैं क्या करूं, मैंने जो किया उसके ऊपर से मैं क्रिश्चियन हूँ, ये कोई हिंदू गुरुमा है, रिलीजियस एंगल भी आ सकता है उसमें कि ये क्रिश्चियन ने किसी हिंदू का ऐसा स्टोरी डाल दिया या कुछ. तो मैं इतना डर गई थी और मैंने परमेश्वर से सिर्फ इतना प्रार्थना किया कि परमेश्वर मुझे मालूम है
ये जो अगर ये कोर्ट केस बन गया तो मैं कोर्ट का कचेरी ऊपर नीचे मुझे बहुत सारे बयान देना पड़ेगा, मुझे क्या क्या नहीं करना पड़ेगा, पर मेरा दिल का जो इंटेंशंस था वो सिर्फ आप ही जानते हो, तो मैं इस केस में मैं क्या करूं? सब लोग ने अप्रूव कर दिया था, उसके बाद भी बॉस ने भी तो देखा था, अभी बॉस ही मुझे चिल्ला रहे हैं और ऑफिस में सब लोग बहुत गॉसिप करने लगे, उनको एक एक बड़ा सा स्टोरी मिल गया था बात करने के लिए मेरे बारे में, तो सब लोग एक दूसरे से बात कर रहे थे और मैं एकदम परेशान थी। मैं सिर्फ वो दिन और उस दिन का भी मुझे काम करना था, तो मैं काम कर रही थी और सिर्फ प्रार्थना कर रही थी कि परमेश्वर आप मुझे कैसे भी इस सिचुएशन से बचा लो, मैं सिर्फ आपके ऊपर ट्रस्ट करूंगी इस टाइम पे और आप मुझे इस सिचुएशन से बाहर निकालो, मुझे पता है आपने मुझे बड़ा फटका इसके लिए दिया है ताकि मैं फिर से आपके पास आ पाऊं, आपसे प्रार्थना कर पाऊं, आप पे ट्रस्ट कर पाऊं, क्योंकि इतने दिन से मैं वो नहीं कर रही थी। मैं सोच रही थी कि हाँ मैं कर लूंगी क्योंकि शायद मुझे लगा कि मैं अच्छी हूँ इस काम में, मगर आपने मुझे फटका दिया है, प्लीज परमेश्वर मुझे मेरा सबक जो है वो मिल गया है, मुझे कैसे भी इस सिचुएशन से बचा लो। आप मानोगे नहीं जो मेरे साथ हुआ उस प्रार्थना के बाद, वो इतना बड़ा कोर्ट केस होने वाला था, इतना सब कुछ हो सकता था, पूरा इंडिया का एक्चुअली वो एक चीज था और परमेश्वर ने इतनी आसानी से मुझे उस सिचुएशन से बाहर निकाला। कुछ कोर्ट केस नहीं हुआ उस दिन के पेपर में, हम लोग ने वो डाल दिया था कि ये जो स्टोरी है वो इस गुरु माँ के साथ रिलेटेड नहीं है करके, और एक पुलिस से भी स्टेटमेंट लिखवा के लिया हम लोग ने, पेपर में पब्लिश कर, परमेश्वर की दया से वो पूरा सीन क्लोज हो गया था। और मैं सिर्फ परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि वो जो बड़ा फटका है वो मैं जिंदगी में नहीं भूल सकती हूँ, वो जो मेरे साथ हुआ। और परमेश्वर ने मुझे सिर्फ यही सिखाया कि उन पे कैसा ट्रस्ट करना है और उन पे उन और हमारी मेरी बुद्धि पे या मेरा जो भी एबिलिटीज या स्किल्स है उस पे नहीं ट्रस्ट करना है, तो मैं परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहती हूँ। थैंक यू अर्पणा। सुनील भाई, या रुहामा, वी हैव टाइम? यस यस, क्विक वन, ओके, ठीक है। एक्चुअली बहुत सारे इंस्टेंसेस है, बट मैं एक इंस्टेंस जरा क्विकली बोलना चाहता हूँ, वो है आई डोंट नो वो एक दिन का झटका है या एक हफ्ते के अंदर वो झटका मालूम पड़ा, ऐसा नहीं है। दिस इज वन झटका विच गॉड गेव मी maybe over a period of 2 years time, okay? ये 2 साल के अंदर हुआ था, and मुझे actually वो realization थोड़ी देर के बाद हुआ, ये था कि and ये मेरे teens में नहीं हुआ है, मेरा यौवन में नहीं हुआ है, this is after marriage, okay? So but still I would like to share that here. वो ये है कि after marriage my wife who works as a nurse, she had gone abroad for 2 years and she worked in Saudi and then she wo Saudi mein kaam 2 saal kaam karke wapas aayi thi and hum ye chahte the ki wo 2 saal jab bhi wo udhar ja ke rahe kyun humko samajh mein aaye ki it is not right because and tab tak main parmeshwar ka vachan mein rooted nahi tha, so for me it was like mera financial situation acha nahi hai, so it is good that if she goes abroad and I'll also go abroad, hum bahar ja ke kamai karke wapas aayenge भी तो, बट जैसे जैसे परमेश्वर के वचन में बढ़ने लगा, सीखने लगा, ग्रो होने लगा, तभी मुझे ये समझ में आया कि ये सही नहीं है कि बोथ हस्बैंड वाइफ शुड बी सेपरेट। तो इसके लिए मैंने कहा था मेरे वाइफ को कि आप वापस आ जाओ एंड वी विल स्पेंड आवर टाइम हियर टुगेदर, वी विल लिव हियर, क्योंकि मेरे माता पिता भी है यहाँ पे, उनका भी ख्याल रखना है, तो हम वापस यहाँ पे आएंगे और जो सैलरी हमें परमेश्वर दे रहा है उससे हम जी लेंगे, ओके। उसके बाद फिर हमने सोचा अच्छा ठीक है, तो उतना तो हमने प्रार्थना में समर्पित करके फिर हमने वो डिसीशन लिया, लेकिन फिर हम लोग ने ये सोचा कि ठीक है चलो यहाँ पे अच्छा मौका चाहिए तो आगे पढ़ाई करना जरूरी है, तो हमने उनके एमएससी के बारे में सोचा जो फर्दर स्टडीज के लिए, सो वी थॉट अबाउट दैट एंड एमएससी का एंट्रेंस भी वो वापस आके दिए। कुछ लोग जानते रहेंगे कि ये मैं क्या बोलने वाला हूँ, क्योंकि मैंने ये पहले भी ये गवाही मैंने शेयर किया है, तो उन्होंने एमएससी का एंट्रेंस भी दिया और हमें लगा था कि लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि ये हमने जो डिसीजन लिया था वापस आने का डिसीजन तो था कि वो आ जाए यहाँ पे, वो तो प्रेयर करके लिया था, लेकिन उनका एमएससी जो करने का डिसीजन था
लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू, हम लोग ने प्रेयर नहीं किया था, दैट वी वेंट प्योरली विद द कॉन्फिडेंस दैट वी हैड इन आवरसेल्व्स एंड माई वाइफ इज अ ब्रेनी, मतलब वो थोड़ा दिमाग से ज्यादा, हाउ वुड यू से शी इज अ ब्रेनी पर्सन, वो ज्यादा दिमाग वाली है. ओके, आई डोंट नो हाउ टू पुट दैट. ओके, तो वो स्टडीज में बहुत बहुत अच्छी थी, तो हमको लगा कि वाई नॉट गिव अर एंट्रेंस एग्जाम. तो एंट्रेंस एग्जाम भी दिया, और मैं अभी भी बोल रहा हूँ हम लोग ने, लेकिन ये परमेश्वर का जो विल है, व्हाट इज हिज विल, वी डिड नॉट आस्क हिम दैट, वी जस्ट सेड ओके वी लेट्स गो एंड गिव द एंट्रेंस. एंड टू आवर सरप्राइज, जब बिंसी का रिजल्ट आया एंट्रेंस का, तभी उन्होंने, उनका जो यूनिवर्सिटी था, उन्होंने फर्स्ट आया था, शी वॉज द फर्स्ट टू कम, रैंक वन. ओके, एंड देन वी सेड, अरे मतलब ये तो परमेश्वर का इच्छा ही है कि ये एमएससी जाके करना है आगे. ओके, एंड देन व्हेन वी स्पोक टू वन ऑफ आवर मेंटर्स, ओके दैट दिस इज, एंड वी प्रेज्ड गॉड, अरे चर्च कलीसिया ऐसा है वैसा है, एंड हमें पक्का हो गया कि ये परमेश्वर का ही यू नो लीडिंग है. तो हमारा जो मेंटर है, स्पेशली ऑल ऑफ यू नो स्टैनली अंकल, ही हैड टोल्ड, उन्होंने सिर्फ एक वाक कहा था, एक ये कहा था, सुनील जरूरी नहीं है ये परमेश्वर से है. एंड मुझे लगा कि ये स्टैनली अंकल ऐसा क्यों बोल रहा है, जब ये फर्स्ट भी आ गया एंड सब कुछ जो हमने सोचा वो सब अभी हो रहा है, तो फिर वो क्यों नहीं है ऐसा, परमेश्वर का की तरफ से क्यों नहीं बोल रहा है, या फिर नहीं हो सकता, उन्होंने बोला मे बी इट इज नॉट फ्रॉम द लॉर्ड. सो देन दैट वॉज हिटिंग अस वेरी हार्ड. And let me tell you, the next 2 years, जो अगले 2 साल हमने जो रियलाइज किया कि मतलब उनका एडमिशन हो गया, एंड अगले 2 साल में जब हम परमेश्वर में, it was a time for us to grow in the Lord. In these 2 years, when Bincy was doing her MSc, my friends, we did not, the time that Bincy got to sleep for the next 2 years was just 1 hour every day. ओके, आई एम नॉट एग्जैजरेटिंग, मैं बड़ाई नहीं कर रहा हूँ, मैं ऐसा ही नहीं कुछ बोल रहा हूँ, मैं सच्ची बोल रहा हूँ. फॉर द नेक्स्ट 2 ईयर्स बिंसी का जो नींद था वो सिर्फ 1 घंटा हर दिन था, एक्सेप्ट फॉर संडे, जब भी उसको थोड़ा और 4-5 घंटे का नींद मिलता था क्योंकि वो दिन छुट्टी रहता था. एंड देन उसकी वजह से पूरा परिवार का नींद डिस्टर्ब हो गया था, परिवार में देर वॉज लॉट ऑफ इश्यूज. एंड टू मेक इट ऑल वर्स, वी ऑल्सो डिड नॉट गेट अ टाइम टू प्रे एंड टू स्पेंड टाइम इन गॉड्स प्रेजेंस. एंड लेट मी टेल यू, द वर्स्ट डिसीजन दैट वी टुक एवर इन आवर लाइफ वॉज दिस वन, एंड दिस वॉज, एंड द हिट दैट वी गॉट, ओके, जो आप रुहामा बोल रही थी, ऐसा फटका जो हमको मिला 2 साल तक, जो हमने भुगता वो 2 साल में, मतलब टुडे आई डोंट नो इफ आई शुड से दैट आई वाज हैप्पी शी कंप्लीटेड एमएससी, बट आई वुड से मे बी दिस वाज नॉट फ्रॉम द लॉर्ड टू डू एमएससी, एंड वी सफर्ड अ लॉट इन द नेक्स्ट 2 ईयर्स व्हेन शी वाज डूइंग हर एमएससी. बट God has His ways. परमेश्वर को उनका एक रास्ता है, उनका एक राह है, जो because we realized what we did was wrong. And the great teaching that God gave us, जो इतना बड़ा फटका हमको दिया और उससे हमको जो सीख मिला, हमने ये डिसाइड कर लिया नेक्स्ट टाइम से हम जो भी करेंगे परमेश्वर का उसमें विल है, वो चाहेंगे तो ही हम आगे बढ़ेंगे. Only if He wants us to go ahead, will we go. And trust me, brothers and sisters, हमने उसके बाद जो भी निर्णय लिया, जो भी हमको डिसीजन था, जो भी हमारा दिल में भारी था, हमने प्रार्थना में वो समर्पित करके, जब तक हमको परमेश्वर का शांति नहीं मिली थी, हमने उस चीज से आगे बढ़ा नहीं था. अगर शांति था तो आगे बढ़ा, नहीं मिला तो आगे नहीं बढ़ा. सो दैट वाज द बिगेस्ट हिट आई वुड से इन माय लाइफ, एंड आई वुड से दैट वाज द बिगेस्ट लर्निंग्स आई गॉट इन माय लाइफ थ्रू दिस वन सिचुएशन, एंड दैट वाज, दैट विल बी नेवर फॉरगॉटन, कभी हम भूलेंगे नहीं. एंड उसके बाद मैं ये भी बोलूंगा कि शायद ये होना था हमारे लाइफ में, ताकि हम ये सीखे कि हम अपने बलबूते पे नहीं, अपना स्ट्रेंथ पे नहीं, अपना विजडम पे नहीं, बल्कि हम परमेश्वर का जो आग्रह है वो, उसके हिसाब से हम चले, एंड जो हमें वो राह दिखाएंगे उस पे ही हमको चलना है, एंड नथिंग एल्स, नॉट इन आवर विजडम, नॉट इन व्हाट वी डिसाइड हाउ टू डू एंड व्हेन टू डू, दैट्स इट. थैंक यू, दैट इज व्हाट आई वांटेड टू शेयर. थैंक यू. थैंक यू सुनील भाई. अब हमारा आखिरी क्वेश्चन है पैनलिस्ट्स के लिए, जिसके बाद जो मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आप लोग क्विकली आंसर दें, क्योंकि ये बहुत ही छोटा क्वेश्चन है, और इसके बाद हमारे पास 5 मिनट टाइम रहेगा जिसमें हमारे ऑडियंसेस
अगर कोई क्वेश्चन पूछना है, कोई प्रश्न पूछना है जिन बातों के संदर्भ में आज हमारी चर्चा चली है, जो पैनल डिस्कशन हुआ है, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछना है किसी को, तो वो चैट बॉक्स में हमें डाल सकते हैं. सो जो हमारा आखिरी क्वेश्चन है, आखिरी प्रश्न है, वो यह है कि आपका आप लोगों का जो स्पिरिचुअल वॉक है, जो आत्मिक जीवन में जो हम चल रहे हैं, उसमें आपका आत्मिक रोल मॉडल कौन है? हमें सबको पता है कि यीशु मसीह हमारे रोल मॉडल है, पर अगर हमें अपने आस पड़ोस, अपने फैमिली, अपने कलीसिया या कोई परमेश्वर के दास या कोई और जो परमेश्वर के साथ चल रहा है, जिसको आपको देख कर इंस्पिरेशन मिलता है और आप इनकरेज होते हैं, उत्साहित होते हैं, तो ऐसा अगर किसी एक का नाम बताना है तो वो कौन है? साबू, वुड यू लाइक टू टेक द लीड? यार रुहमा, अगेन दिस इज जस्ट लाइक दैट फेवरेट वर्स वाला क्वेश्चन. एक नाम मैं नहीं ले पाऊंगा, क्योंकि हमारे स्पेशली हमारे कलीसिया के जो एल्डर्स है, इंक्लूडिंग उसमें अर्पना के डैड भी आते हैं, ऑलिवर अंकल हुए, स्टैनली अंकल हुए, चौली अंकल, विनोद अंकल, ये सभी मेरे लिए रोल मॉडल्स है, क्योंकि मैं जब उनके ओर देखता हूँ और उनके जीवन में जो डिसिप्लिन है और जिस प्रकार से वो अपना जीवन परमेश्वर के वचन के हिसाब से, सिर्फ बातों में नहीं लेकिन जिस प्रकार से वो अपना जीवन जीते हैं, मैंने देखा है. मैं एल्डर्स से ज्यादा इंटरेक्ट नहीं कर पाता हूँ. मेरा जो उनके साथ इंटरेक्शन होता है वो कैंप्स के द्वारा होता है, उसी समय मैं उनके साथ इंटरेक्ट कर पाता हूँ, और बस वो एक दो या तीन दिन ही काफी होते हैं. और जब मैं वापस आता हूँ, मेरी बीवी जानती है, मैं वापस हमेशा आके मैं बोलता रहता हूँ कि अरे यार, अपने एल्डर्स को देख के मुझे एक्चुअली शर्म आती है कि किस प्रकार से वो डिसिप्लिन्ड है. अर्पना के डैड को ही ले लो, ऑलिवर अंकल को ही ले लो, जब भी कैंप में कोई सेशन होता है, हम लोग ऐसे नींद से उठ के आराम से मुंह सब धो के आते हैं, दिस गाय, उनके डैड, अर्पना के डैड, ऑलिवर अंकल, जो हमसे उम्र में इतने बड़े है लेकिन एकदम अच्छे तरीके से सेट, ऐसे लगे एकदम फ्रेश है, आके पहले बैठे रहेंगे, 5-10 मिनट पहले वो बैठे रहेंगे जया आंटी के साथ. उसी तरह विनोद अंकल, ऐसे सभी लोग बहुत डिसिप्लिन्ड है, और उन सबको देख के यही लगता है कि आई जस्ट होप कि एज के साथ हम भी वैसे बन जाए, क्योंकि अभी तो बहुत दूर है उस लेवल से. तो हाँ, तो ये सारे लोग हैं, स्पेशली कलीसिया के जो एल्डर्स है, उनको देख के स्पिरिचुअल लाइफ में बहुत एंकरेजमेंट मिलता है. थैंक यू साबू. अर्पना, वुड यू लाइक टू गो अहेड नेक्स्ट? या थैंक्स रोहामा. आई थिंक मेरा भी यही आंसर है कि ऐसे कई सारे विश्वासी लोग हैं जिनके जीवनों से बहुत कुछ सीखने मिलता है. वो सारे चीजें ऐसी होती है जो ये दर्शाती है कि मुझमें कितनी कमी है. और जैसे एक इंसान को अगर मैं एक्चुअली पॉइंट आउट नहीं कर पाऊंगी, पर ऐसे कुछ लोग परमेश्वर ने मेरे जीवन में डाला है. मेरे डैड है और ऐसे कुछ आंटीज भी है मेरे जीवन में जिनका जीवन से मैंने बहुत कुछ सीखा है. जैसे वो अपने परिवार को संभालती है, जैसे अपने काम को संभालती है. और परमेश्वर में इतना एक सिस्टर है जो मैं उनको बहुत अडोर करती हूँ. वो कोई भी परिस्थिति हो, कोई भी सिचुएशन हो, उनके लाइफ में ऐसे सिचुएशंस आए हैं तो शायद ही मैं सोच पाऊंगी ऐसे सिचुएशंस, मगर वो कैसे इतनी धाड़स से उस सारे सिचुएशंस को पार कर पाई है. और एक ही चीज वो हमेशा कहती है जो मेरे दिल में ऐसा बैठ गया है, वो एक ही चीज कहती है कि वो डेथ के बारे में बहुत बात करती है और वो बोलती है कि मरना है तो मरूंगी, मैं इससे बेहतर जगह में जाने वाली हूँ, तो मैं इधर रहने के लिए क्यों रो. तो उनके जीवन में ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स है हेल्थ रिलेटेड या जो भी, तो बोलती है कि परमेश्वर को देना है तो देगा, नहीं तो नहीं देगा, वो संभाल लेगा, मुझे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. तो हर सिचुएशन वो इतना स्ट्रेस फ्री रहती, जितना भी स्ट्रेस सिचुएशन रहेगा वो, मगर वो हमेशा इतना स्ट्रेस फ्री रहती है, कैसे शांत रहती है, वो मुझे एक बहुत अच्छा लगता है उनसे. और मेरे डैड भी ऐसे बहुत सारे सिचुएशंस मैंने खुद से देखी है, बहुत स्ट्रेस्ड सिचुएशंस रहता है मगर कैसे बहुत शांति से, बहुत अच्छे से वो अपना एटीट्यूड के वजह से, परमेश्वर में ट्रस्ट और अपना खुद के एटीट्यूड के वजह से वो सिचुएशंस पार कर जाते हैं. वो बहुत इंस्पिरेशनल है. तो स्पिरिचुअल लाइफ में भी परमेश्वर पे ट्रस्ट करना और वरी नहीं करना, ये एक चीज सीख पाई हूँ मैं, और ये स्पिरिचुअल लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए एटलीस्ट. तो हाँ, तो ये मेरे रोल मॉडल्स हैं. थैंक यू अर्पना. सुनील भाई,
Yeah, I think I will very well relate to what Sabu said. In fact, जो साबु भाई ने बोला है उसी से मैं भी सहमत हूँ बिल्कुल. बिकॉज आई कम फ्रॉम, इनफैक्ट वी बोथ कम फ्रॉम अ बैकग्राउंड वेयर वी रियली डिड नॉट हैव प्रॉपर मेंटर्स. ओके, बट हमारे लिए जो इस कलीसिया के जो एल्डर्स है, दे हैव बीन सच एन अमेजिंग रोल मॉडल्स फॉर मी. That just like how Sabu said, I mean, I really wish that I grow up in the way they have grown up, because I day in day out, मैं ये देखता हूँ कि उन्होंने उतना उनका जीवन कैसा जिया है. See, I may have not seen the life of everybody, but very instances or when situations have come where I've interacted with most of them, I've seen the way they talk to people. I've seen, मैंने ये देखा कि उन्होंने लोगों से कैसा बात किया है. मैंने ये देखा कि उन्होंने एक एक प्रॉब्लम्स को कैसे एड्रेस किया है. मैंने ये देखा है कि उन्होंने क्या एडवाइस दिया है. मैंने ये देखा है कि उन्होंने उनके फैमिली को कैसा संभाला है. फैमिली के साथ साथ उन्होंने उनका कलीसिया को कैसा संभाला है. आई मीन सो मेनी थिंग्स, इतने सारे चीज है कि मतलब I really don't find myself being there even in the near future. मतलब of course like how we said, God Jesus Christ is our role model, but yes, there has to be somebody with us in and around here, and I would name each one of them in our group of churches. Everybody has been so fantastically led by the Lord. एकदम सही तरीके से परमेश्वर ने उनको चलाया है. और वो इसके लिए कि परमेश्वर जानते थे कि उनको देखे बहुत सारे और जन है जो उनके पास आ सकते हैं. एंड एवरीबडीज टेस्टिमनी हैज बीन सो मच ऑफ एन एनकरेजमेंट. सबका गवाही जो इतना मुझे एनकरेज किया है. एंड इट्स बीन सो मेनी इयर्स विद द चर्च नाउ कि मैं देखता हूँ कि इवन द वे दे ब्रिंग अप लीडरशिप, जो आगे आगे जाके जो कलीसिया को कैसा टीच करना है, कैसा आगे बढ़ाना है, एक एक उनका जो पॉलिसीज है, एक एक चीजें जो वो बताते हैं, इट इज जस्ट वंडरफुल. एंड सो आई ऑल्सो विल रिफ्रेन फ्रॉम टेकिंग एनी नेम्स, बट ओवरऑल द एल्डर्स ऑफ अ चर्च, दे हैव बीन सच अ ब्लेसिंग. इतना अनुग्रहित अनुग्रह, मतलब दे हैव बीन सच अ ब्लेसिंग टू मी एंड माई फैमिली, एंड आई जस्ट वॉन्ट टू प्रेज गॉड फॉर दैट. या प्रेज गॉड. एंड मुझे ऐसा लगता है आप लोगों ने वही आंसर दिया है जो मुझे भी ऐसा लगता है कि ये सारे लोग, एंड इवन जैसे साबु अर्पणा एंड सुनील भाई आप भी बोल रहे थे कि जो भी हमारे एल्डर्स है, टू नेम फ्यू, लेसली अंकल, स्टैनली अंकल, जॉली अंकल, ऑलिवर अंकल, विनोद अंकल, अगर हम इन सबका लाइफ देखें तो सबका गिफ्टिंग जो परमेश्वर ने किया है वो यूनिक है. एंड जैसे साबु बोल रहे थे कि हमें इनसे बात भी करने की जरूरत नहीं है, अगर हम दो तीन दिन इनको ऑब्जर्व भी कर ले उसी से ही हमें समझ में आ जाता है कि परमेश्वर का काम किस तरीके से इनके जीवन में हो रहा है. सो अभी हमारे पास 5 मिनट का समय है. अगर हमारे पार्टिसिपेंट्स में से कोई भी क्वेश्चन पूछना चाहता है तो वो या तो डायरेक्टली खुद को अनम्यूट करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं. हम शायद इस वक्त एक या दो ही क्वेश्चन ले पाएंगे अपने समय को मद्देनजर पे रखते हुए. सो आप अनम्यूट करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं या चैट बॉक्स में भी अपने क्वेश्चन को डाल सकते हैं. इससे पहले कि कोई क्वेश्चन पूछे या जब तक कोई क्वेश्चन पूछ रहा है, मैं एक सवाल पूछना चाहूंगी पैनलिस्ट को, और जैसा आप चाहे आप वैसा उत्तर दे सकते हैं. कई बार ऐसा होता है जवानों के जीवन में, स्पेशली मेरे साथ ऐसा हुआ था कि जब मैं कॉलेज जाने लगी, स्कूल तक तो ठीक है, जब मैं कॉलेज जाने लगी और फिर जब मैं चर्च जाती थी हर संडे, तब मुझे लगता था कि जो कॉलेज में चल रहा है या जो दुनिया में चल रहा है और जो चर्च में बताया जा रहा है, ये इतना वास्ट डिफरेंस कैसे है. सो ये मुझे लगता था कि जो चर्च में बताया जा रहा है, क्या ये सही में संभव है कि हम अपने जीवन में इसको फॉलो कर पाए, इसका पालन कर पाए. और मुझे कभी कभी ऐसा लगता था कि एकदम इम्पॉसिबल है जो चर्च में बताया जाता है वो पूरी रीति से अपने जीवन में फॉलो करने के लिए. वो धीरे धीरे मुझे परमेश्वर ने सिखाया. पर आप लोग क्या सोचते हैं, क्या आप लोगों को भी कभी ऐसा लगा है अपने जीवन में परमेश्वर के साथ चलने में किसी भी स्टेज में? कोई भी आंसर कर सकता है. क्या
Can I answer? Yes, yes. Okay. Just whatever I understood of your question, मतलब आप मुझे जो भी समझ में आया आपका question से मैं just बता रहा हूँ क्या आपको ही नहीं रोहमा I think everybody सबको वो दिक्कत होती है कि मतलब संडे को जो बोला जाता है और इधर actual जो दुनिया में चल रहा है वो कुछ अलग ही है I think just one thing that I can say is I think your question was whether we can really do what is being told right Yes. Okay. So I think one is obviously if we are if we know that God is there in our midst and He will help us do it. Okay. One thing, but a couple of things that I can see and I can share is this that it is very important. ये बहुत मान्य रखता है कि आपको परमेश्वर का वचन का सही understanding हो. Okay. The word of God can be twisted in many ways. Okay, so it is very important for us to understand कि ये बहुत मायने रखता है कि परमेश्वर का वचन का सही understanding हम सबको हो. Okay, when there is no proper understanding of the word, then what happens is you the word of God can be twisted, tweaked, and then put in adopted to the policies of this world. So that is why we will see many preachers coming up or many other teachings जो आ रहे हम ये देखते हैं कि जो example prosperity gospel जो है okay वो अगर सही understanding में नहीं है तो जो दुनिया बोलती है कि तुम कमाओ 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 God is also saying I am here to bless you to make you flourish. Okay, so there are things which can be twisted and tweaked and brought into the policies or into the understanding of the world. One, so it is very important for us. इसके लिए ये बहुत ही मायने रखता है कि परमेश्वर का वचन का जो understanding है वो बहुत सही हो. And for that very purpose, it is important. It is important that we don't seek the understanding of what men tell us. या लोग क्या कहते हैं? उसका अंडरस्टैंडिंग नहीं वी हैव टू प्रे टू द होली स्पिरिट टू लीड अस टू अंडरस्टैंड व्हाट्स गॉड इज रिवीलिंग टू अस थ्रू हिज स्क्रिप्चर दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट सो दैट्स व्हाई यू विल ऑलवेज सी देयर आर सो मेनी डिफरेंट वर्जन्स अबाउट वन वर्स सो इट इज इंपॉर्टेंट टू नो दैट वी डोंट गो विद आवर फीलिंग्स हम अपने फीलिंग्स जो उसके साथ ना जाए बट व्हाट द स्पिरिट इज लीडिंग अस टू अंडरस्टैंड फ्रॉम दैट वर्स वी विल गो विद दैट एंड वी विल ओनली टेक दैट अंडरस्टैंडिंग One. Second is when you do that, you will have a right perspective towards life. In the sense that God's word says, "Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you." So when you have the right understanding of God's word, then you will have the right perspective. Okay. And so what we should do is, many times we have a good understanding of the word. But still, we may fall, हम लोग इधर उधर भटक सकते हैं उसके लिए भी we need to pray and ask God, God, you give me and you lead me into the right perspective. So the right perspective is always going to be seek ye first the kingdom of God. That is also being told in God's word. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things will be added unto you, shall be added unto you. And that is, and God also says, be obedient to what He says and to do what is right in God's eyes. So when this perspective is also set right, then the third step probably is going to be that you realize where is your weakness. Okay, if your weakness is to admit that you have a problem, or if your weakness या फिर आपका ये weakness है कि आपको समझ में नहीं आ रहा है कि समझ में नहीं आपको ये weakness है कि आपको जो आप सोचते हैं वही सही है आपको वही करना है so again you have to go back to God and ask Him to help you in that okay so probably these three steps could help you one is again same thing is one is have a clear understanding of God's word which the spirit of God can help you understand second is set your priorities right set your perspective right and that is to seek God's kingdom first and then all things will be set right yeah and third is work on your weakness with the help of the spirit and when these things work out when these things are in place jo aapko jo doubt tha starting or the question that we are coming to is whether we can really stick to what is being taught us on a Sunday or through the Bible studies we can definitely do that it will be a struggle but God will enable you to do that Parmeshwar will surely आपको उसका सहायता करेंगे आपको वो करने के लिए and I'm very assured of that because I myself have experienced that
थैंक यू सुनील भाई. तो सुनील भाई ये बता रहे थे कि ये बहुत ही जरूरी है कि परमेश्वर का वचन का सही समझ होना चाहिए और हमें सिर्फ पैसे के पीछे नहीं भागना है जो हमें दुनिया भी बताता है, परंतु जैसा परमेश्वर के वचन में लिखा है मत्ती 6:33 जहाँ ऐसा लिखा है कि सबसे पहले तुम उसके राज्य और धर्म की खोज करो तो बाकी सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी. तो ये बहुत जरूरी है कि हम सबसे पहले परमेश्वर पर मन लगाएं क्योंकि परमेश्वर हमारा प्रोवाइड करने वाला है, हमारा दाता है और जो भी जरूरतें हैं वो परमेश्वर देता है. और डेफिनेटली हम जो भी संसार में देख रहे हैं और जो भी कलीसिया में बताया जाता है तो कई बार उसमें बहुत डिफरेंस लगता है, पर परमेश्वर अनुग्रह देता है कि हम परमेश्वर का वचन को अपने जीवन में पालन कर सके. सो और भी और कोई भी क्वेश्चंस हमारे पास नहीं आया है तो मैं प्रकाश ब्रदर को नहीं देख पा रही हूँ. हमारे बीच में ब्रदर तेलधुने हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगी, आग्रह करूंगी कि वो क्लोजिंग प्रेयर में हमारी अगुवाई करें. अनीश आई थिंक वी हैव टू अनम्यूट हिम. ब्रदर तेलधुने आप हमारी आवाज सुन सक रहे हैं क्या? अच्छा इट इज अच्छा वी हैव जॉबिन मिडस्ट ऑफ अस. जॉबिन मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आप हमारी अंतिम प्रार्थना में अगुवाई करें. या श्योर रोमा, यू कैन लिसन मी राइट, हियर मी राइट? यस या वुड रिक्वेस्ट इफ यू कैन डू दिस इन हिंदी. हां श्योर, आइए प्रार्थना करते हैं. खुदावंत हमारे प्रिय पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं इस शाम के समय के लिए जो आपने हमारे जीवन में दिया. प्रभु जी इस तरह हम सबको इकट्ठा ले आने का प्रभु जी आपका जो योजना था उसके लिए हम खास करके धन्यवाद देते हैं. पिता परमेश्वर हम आपके बच्चों से आपके संतानों से हम सुन रहे थे प्रभु जी किस प्रकार जीवन के अलग अलग क्षणों में अलग अलग पड़ावों पर प्रभु जी आपने उन्हें संभाला, उन्हें सिखाया और हम इसमें खुशी जाहिर करते हैं प्रभु जी के किस प्रकार ये वचन ये शब्द जो हमने सुना है ये बताता है कि हमारा खुदावंत पवित्र परमेश्वर ज़रूर है, उसी के साथ विश्वास योग्य है और एक पिता के साथ साथ एक अच्छे दोस्त के समान हमारे साथ हमेशा रहता है. हम आपके सामने पिता परमेश्वर हमारे सिर को झुकाते हैं क्योंकि आप एक ऐसे खुदा हो जिसके बारे में हम कितना ही क्यों ना कह दे, हमारे अनुभवों को कितना ही क्यों ना एक दूसरे के साथ बांटे प्रभु जी वो बहुत कम होगा. हम धन्यवाद देते हैं और हमें ये विश्वास है प्रभु जी कि जिस प्रकार अब तक आपने हमें संभाला है उसी तरह आने वाले दिनों में भी प्रभु जी बहुत ही अद्भुत रूप में अद्भुत तरीके से पिता परमेश्वर आप हमें ले चलोगे. जिस प्रकार हम सुन रहे थे शायद उम्र के साथ प्रभु जी हम और इससे एहसास और महसूस करें कि प्रभु जी हमें और कितना ज़्यादा पिता परमेश्वर आपके हम करीब आ सकते हैं. पिता प्रभु जी हम इस विश्वास के साथ और इस चाहत के साथ ही आगे बढ़ना चाहते हैं कि प्रभु जी हर क्षण में हर पल में हम आपके साथ बने रहे. हम धन्यवाद देते हैं इन गवाहियों के लिए जो हमने सुना है और हम चाहते हैं कि जितने भी यहाँ पर हैं जिन्होंने भी इन शब्दों को सुना है हम सबके अंदर प्रभु जी ये एक जोश एक होश आप डालें कि हर दिन को पिता परमेश्वर आपके लिए हमें जीना है. हम सच में कमज़ोर हैं, हम कई बार चूक जाते हैं, हम कई बार गिर जाते हैं, हम में से यहाँ कोई परफेक्ट नहीं है. अगर कोई संपूर्ण है हमारे बीच में तो वो केवल आप हो और इसलिए प्रभु जी हमारे शब्द हम आज स्वर्ग की ओर उठाते हैं ये विश्वास के साथ के प्रभु जी दिन प्रतिदिन के जीवन में हमारी गवाहियों को प्रभु जी लोगों के सामने और आपके सामने प्रभु जी स्वच्छ साफ रखना प्रभु ये हमारा प्रार्थना है, ये हमारा इच्छा है और इस इच्छा को प्रभु जी हम आपके सामने रखते हैं. धन्यवाद देते हैं खुदावंत इस वक्त के लिए आपने
बहुत अच्छा समय हमें दिया है। आने वाले दिनों में भी पिता परमेश्वर इस यूथ मीटिंग के द्वारा प्रभु जी बहुत सारे लोग प्रभु इसमें जुड़े और इसके द्वारा आशीष पाए प्रभु, यही हमारी प्रार्थना है। इसके इसके पीछे जो टीम काम कर रही है, इसके पीछे जो प्रभु लोग इन सभी चीज़ों को डिसाइड करते हैं और जो कोर टीम पिता परमेश्वर इन सभी चीज़ों को एक साथ ले आती है, उन सभी के लिए हम प्रार्थना करते हैं। वडीलों को हम खास करके आपके हाथों में सौंपते हैं, खास करके आज हमारे पैनल में जो तीन हमारे भाई बहन थे उनको हम आपके हाथों में सौंपते हैं। आने वाले दिनों में पिता परमेश्वर आपके अनुग्रह और आशीष में प्रभु जी इन्हें आप भरे प्रभु, ये हमारी विनती और प्रार्थना है। धन्यवाद देते हैं शाम के वक्त के लिए, आने वाला समय, आने वाले सारे दिन प्रभु, जितना भी समय आपने हमारे जीवन में दिया है वो हम आपके चरणों पर सौंपते हैं। उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम पे सुनो और स्वीकार कर हमारे पिता। आमीन।